खड़े होकर ज्यादा आते हैं एनर्जी, तो आप विदाउट माइक के भी आ जाएगी अगर आप बोलोगे तो। नहीं नहीं विदाउट माइक तो आनी, कॉफी पी के भी आएगी। दो तीन बार ही जाएगा, पर आप दो तीन बार टोक लोगे तो ठीक। क्या चीज? कैमरे की तरफ, मतलब कई बार ही स्क्रीन पे जाता है। आदत ऐसी है ना, ये आदत ऐसी क्यों बनी स्क्रीन की तरफ देख के बात करने की? क्योंकि रूटीन में मोबाइल देखते हैं हम, तो वहीं पे उसी से उसी में बात कर रहे हो, उसी में सारा कुछ। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. So, ladies and gentlemen, सभी दर्शकों को आज के इस नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज मेरे साथ हैं साहिल मुखर्जी, who is the chairman of Punjab Angels Network. Sir, welcome to our show. My pleasure. It's my pleasure to be on your show. और आज मैं ऑफिस में आया साहिल जी के, और मैंने ये चीज़ नोटिस की, मैंने कहा आप कितने शांत माहौल में बैठे हो, बिल्कुल यहाँ ना कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, ना ज़्यादा ट्रैफिक नॉइज़ है, कि यहाँ पर बैठ के काम करना, नए लोगों को इंकरेज करना, उन्हें उनके लिए डिसीजन फ्लोट करना, ये दिस इज़ द राइट प्लेस। तो पहले आप बताओ कि ये आपने एनवायरनमेंट शहर से थोड़ा दूर हटके कैसे आपने चूज़ किया? तो इट्स अ ब्लेसिंग समटाइम, मतलब कई बार हम कहते हैं कि हम लोकेशंस को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन चार पांच लोकेशन देखे फिर अल्टीमेटली क्लिक वही करती है जो आपको चाहिए होती जी। नो आई हैव बीन ऑलवेज बीन, मतलब मैं रात को पढ़ने वाला आदमी था। क्यों था? ओनली कि पीसफुल मिले जी, देर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू एट नाइट, तो रात को पढ़ो है ना। तो मैंने पूरी सीए की, आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी की, दो नहीं हो पाया तो बाद में सीए कंप्लीट की, और बिन इनटू टीचिंग ऑल्सो एट वेरियस कॉलेजेस ऑल्सो है ना। थापर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया एज ए गेस्ट फैकल्टी, सीजीसी बद्दी यूनिवर्सिटी एंड ऑल है ना, एंड अभिमन्यु इंस्टीट्यूट ऑल्सो जहाँ पे सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं, आई बिन टीचिंग ओवर देयर। तो ये कंसंट्रेशन आपको बढ़ानी हो ना, तो वो ये है कि आपको पीसफुल जगह चाहिए जी, है ना। जितना आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग होंगे उतना ही आपकी कंसंट्रेशन, यानी जो एक घंटे काम है वो छः घंटे में होगा काम, है ना, क्योंकि ब्रेक्स लगेंगी और फ्लो नहीं बनेगा और रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है, अगर आप मेरी स्टोरीज और कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे लाइफ स्टाइल फॉलो कर ही रहे हैं, आई एम श्योर बहुत लोग कर रहे हैं, कि मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है। तो इसलिए जब मैं एंटर किया ना रूम में, तो सोचो रूम में क्या तैयार हो रहा था, और ख़ासकर मैं अभी ये कैमरे में दिखाऊंगा, यहाँ पर भी कॉफ़ी की मशीन है और उसमें मेरे लिए कॉफ़ी बन रही थी। सर आपको मेरे आने से पहले पता था कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, या आपने कॉफ़ी मतलब आपने अपनी इच्छा से बना के रखी थी? हाँ नहीं, कॉफ़ी वैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो कॉफ़ी का पूरा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, और पूरा तो अगर बनी गई है तो लेट्स बनाए थे। सो हाँ बिल्कुल, आपके लिए स्पेशल ग्राउंडेड कॉफी, ग्राउंडेड कॉफी, हम भी ग्राउंडेड, हमारी कॉफी भी ग्राउंडेड, क्या बात है। वाओ, ग्राउंडेड कॉफी को रिकॉर्ड करने का अपना ही अलग मजा, और खासकर वो भी ग्राउंडेड कॉफी मेड बाय एंड ऑल्सो बींग सर्व्ड बाय चेयरमैन ऑफ पंजाब एंजल्स नेटवर्क फॉर मी। आपको भी स्ट्रॉन्ग पसंद है? या मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है। आप शुगर लोगे, हनी और शक्कर, एनीथिंग, ऑल कुछ नहीं, आप जो पसंद है आप डाल के पीजिए, आई विल ड्रिंक इट एज इट इज। वाह साहिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे यू नो स्टार्टअप्स मिलते हैं, आप वो अप्रोच करते हैं, मुझे कुछ फनी इंटरेस्टिंग सी बातें बताओ। मतलब अब ठीक है सारे लोग वो सीरियस बातें कि वैल्यूएशन क्या होती है, ये क्या होती है, आई मीन ये सारी हाईटेक टर्म्स ना, अगर कोई भी स्टार्टअप की मीट्स में जाता ना, चार पाँच उसके बाद ना मतलब सेमिनार्स के बाद, चार पाँच इंडक्शन प्रोग्राम्स के बाद ना, वो ये ना रटना शुरू कर देते हैं टर्म्स कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम बूटस्ट्रैप्ड हैं, हम फलाना हैं, हम ये हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें। पर इंटरेस्टिंग सी बात बताओ जो जो कभी कभी मन में सोच के आपको हंसी आती हो, मतलब आई वॉन्ट टू नो
यही एक सबसे मतलब बताऊं मैं, ये सिर्फ नाम ही सुने होते हैं, उनको भी नहीं पता होता इनके मतलब क्या है, ठीक है। मतलब होता क्या है, दो दिन पहले किसी को सपना आता है रात को यार ये चीज चल सकती है जी, और वो सोचता है अच्छा ये चीज चल सकती है, आके कहता है भाई मुझे 1 करोड़ रुपए दिला दो मैं 10% दे देता हूँ। क्या बात है, है ना, क्योंकि किसी ने किसी का उसने सुना है 1 करोड़ रुपए मिले हैं 10% के बदले, उसके सपने के बेसिस पे वो 1 करोड़ मांग रहा है, कर रहा कुछ भी नहीं है ना, बस एक सोचा है, नो वैलिडेशन नथिंग, ना उसको पता है कि वो चल सकता है, ना उसको ये पता है कि ये ऑलरेडी 100 जगह आ चुका है जी, ना उसने एक्सप्लोर की है। आगे, 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 तो वो आके कहता है कि मुझे अपना जो है ना 1 करोड़ रुपए दे दो 10% शेयर के बदले जी, ठीक है। तो वही चीज है अल्टीमेटली, एक आइडिया है, और इसी के लिए एक्चुअली मैं पंजाब एंजल्स नेटवर्क के अंदर एक मंथली कोर्स लेकर आ रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ पीसीएस प्रिलिमिनरी कोर्स फॉर स्टार्टअप्स। अच्छा, ठीक है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब द ओनली नॉमिनल कॉस्ट फॉर फूड एंड थिंग्स विल बी चार्ज, और अगर वो भी नहीं है तो फिर इट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं हर महीने एक पर्टिकुलर डे यानी 2nd और 3rd सैटरडे को फिक्स करूंगा जी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस इकोसिस्टम को बढ़ाने ताकि उनको स्टेजेस समझ आए जी, यार एक प्रोडक्ट को जब करना है तो स्केलेबिलिटी क्या है जी। अल्टीमेटली अगर आप लोग ना, एक इसके बीच में बड़ा कंफ्यूज है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर और अ स्टार्टअप, ओके, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर मतलब क्या हो गया कि मैं नया काम कर रहा है, मैंने दुकान खोलनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने कुछ भी खोलना है, दैट इज अ स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर जी, है ना। लोग उसको सोचते हैं यार मैं नया काम कर रहा हूँ तो स्टार्टअप है, नो दैट इज नॉट अ स्टार्टअप, स्टार्टअप इज एज डिफाइंड बाय DPIIT, है ना। सो वो डिफाइन के अंदर जो मेजर वर्ड है, पूरी डेफिनेशन छोड़ दो जी, वो कहता है कि क्या है, अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम है जी जो आपको लगता है उसको सॉल्व कर सकते हो जी। तो यानी अगर आप कहीं रस्ते में जा रहे हो, आपको लगता है यार काश इस चीज का कोई बंदा होता प्रोवाइड करने वाला, है ना, तो वो एक स्टार्टअप हो सकता है। पर पॉइंट क्या है, क्या वो स्केलेबल है, यानी क्या वो प्रॉब्लम सबकी है, बहुत लोगों की है, हजारों लोगों की है, या सिर्फ 10 लोगों की है? अगर तो वो प्रॉब्लम सिर्फ 10 लोगों की है, है ना, तो फिर वो स्केलेबल नहीं हो सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये स्विगी जोमेटोज ये हैं, अदरवाइज तो होम डिलीवरीज हैं, होम डिलीवरी तो पहले भी होती थी, तो फिर वो स्टार्टअप के बारे, क्योंकि उसने एक नियर बाय प्लेटफॉर्म से हर दुकान से आपके घर में डिलीवर करना शुरू किया। तो लोगों की प्रॉब्लम थी यार कि यार बड़े रेस्टोरेंट में मंगाए, छोटे से मंगा नहीं सकते हैं, तो छोटे से के लिए खुद जाना पड़ेगा, पर उसको वही चीज़ छोटी छोटी दुकानें जो आसपास एरिया में है उनसे उसके घर पर डिलीवर हो रहा, तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया, और जिसको हर एक की प्रॉब्लम थी। तो कोई भी चीज़ आपके दिमाग में लगता है कि एक प्रॉब्लम है यानी इसका सोल्यूशन होना चाहिए और मार्केट में कोई इसको नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला वो स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन स्केलेबिलिटी दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। और साथ में अब बहुत सारे जो आप प्रॉब्लम या चीज़ें कह रहे हो स्टार्टअप्स आ जाते हैं, इसमें आपको पता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब अगेन बाय डेफिनेशन जी को फाउंडर्स, एग्जैक्टली हाँ, ये बताओ को फाउंडर फाउंडर हाँ और CEO और ये जो लोग फैंसी टाइटल्स रख देते हैं, मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो सब कुछ ही लिख देते हैं अपने नाम के आगे, तो क्या है उसका? देखो हर आप क्या हर चीज में एक्सपर्ट हो सकते हो? मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो ना मैं हो सकता। 2-4 काम ही करता हूँ अपने पूरे फिल्म में और बाकी पूरे डिविजन अपने अपने काम करते हैं, है ना। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक फिल्म बना रहे हो जिसमें आपके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है जी, और खुदा ना खास्ता किसी को आपको 2 दिन या 10 दिन के लिए ना आना पड़े, तो मतलब 10 दिन बंद करते हैं, नहीं हो सकता ना। यू नीड टीम जिसको स्क्रैच से लेके एंड तक पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, किस थॉट प्रोसेस से हम निकले हैं और इस सोच के पीछे मुझे क्या करना है जी। अब बहुत सारे आएंगे, वही अगेन जो मैंने कहा सपना लिया, इन सेंस बहुत सारे आएंगे कि यार मैं कल अब को फाउंडर ढूंढ लेते हैं, मतलब हैरानगी की बात होती है कई प्रेजेंटेशन में लिखा होता है आई एम फाइंडिंग फॉर अ को फाउंडर, है ना, फाइंडिंग फॉर अ को फाउंडर, मतलब फाइंडिंग मतलब इन सेंस कि को फाउंडर ढूंढ रहे हो आप, यार इट शुड मैच विद उसका जो एंथुजियाज्म जो पैशन है वो आपके प्रोडक्ट से मैच करना चाहिए। नहीं आप को फाउंडर कैसे अपॉइंट करोगे? अपॉइंट नहीं करना, यही तो है ना, जो आपको लगता है आपके प्रोडक्ट के साथ जा सकता है। अब देखो एक एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल, एक होता है टेक्निकल, एक होते हैं बहुत सारे नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल तो मान लो आपने एक पर्टिकुलर चाय बनाने का ही है, तो जिसको पता ही यार ये चाय पत्ती है चाय चीज़ें वगैरह कैसे बन सकती हैं, या कॉफ़ी है तो कॉफ़ी कहाँ से कितनी कितनी वैरायटीज की होती हैं कहाँ कहाँ से कर सकते हैं जी। लेकिन उसके अलावा मार्केटिंग ब्रांडिंग आपका करने वाला हो गया, फाइनेंशियल्स को संभालने वाला हो गया, एग्जैक्टली है ना, कैसे करना है, टेक्नोलॉजी
कि अगर मेरे को करना है डिजिटल मार्केटिंग भी, मतलब मार्केटिंग नॉर्मल हो गया आजकल, डिजिटल मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग में भी फर्क हो गया, तो वो उनका आपको जो लगता है यार ये प्रोडक्ट को ले जाने के लिए उसका एक कोई ना कोई को फाउंडर होना चाहिए, है ना। और को फाउंडर एक्चुअली जो ऐसा है जो आपके ही साथ है, आपके साथ पैशन है, मे बी उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट ही हो जी, है ना, प्रॉफिट ही हो, लेकिन आप उसको फिर शुरू में सैलरी नहीं दे रहे हो। अब एक एक्सपर्ट होगा जो ऑलरेडी जिसको 10-15 साल हो गए हैं, आप एक तो वो को फाउंडर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, है ना, को फाउंडर आ रहा है और उसको सैलरी में, तो ऑब्वियस स्टेक दो गया ना। हम भी यही प्लान कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर स्टार्टअप्स, फॉर MSME। अब देखो जब मैं अपने ये चीज़ों में जब मैं सारा एक्सप्लोर कर रहा था, मैं आई एम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एलुमनाई ऑल्सो जी, ठीक है, तो वहाँ पे जब हमारे कोर्सेज हुए ना और एडिडास स्पेशलाइजेशन पब्लिक पॉलिसीज एंड दिस प्रोसेसेस एंड ऑल जी, तो हमें सबसे पहले सिखाएगी रिसर्च वहाँ पे, ऑथेंटिक वेज ऑफ रिसर्च जी, नॉट अ वे ऑफ, लोग करते हैं रिसर्च, आपको लगता है काम से पॉइंट है वो रिसर्च सर करें तो तब जब उनको राइट फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म पता हो जी, लोगों को राइट फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स ही नहीं पता है। अब जो कॉमन है, मान लो गूगल है या याहू, जितने भी सर्च इंजन हैं जी, दैट इज इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट में से ढूंढने का आपको कैसे पता राइट कौन सा गलत कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी छाप रहा है। अब आप भी कुछ जाके लिख सकते हो ना गूगल पे, अब वो सही है गलत है, हु इज वैलिडेटिंग दैट। सो देयर आर राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ से सर्च होता है, जहाँ से कहते हैं ट्रस्टेड और ऑथेंटिक सोर्सेज जी, है ना, तो वो प्लेटफॉर्म्स को अवेलेबल कराना। और कितने इंस्टीट्यूट्स हैं या कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो जितने भी कॉलेजेस एजुकेशन उनके अंदर होंगे अवेलेबल, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना यार राइट फॉर्म से कहाँ से आप ढूंढ पाओगे जी, वो अवेलेबल है कुछ जगह लेकिन हर जगह स्टार्टअप्स को नहीं पता। और आई थिंक ये रिसर्च आपकी अपनी डोमेन स्पेसिफिक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना सर, करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टार्टअप फॉर्मेशन कर रहा हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, कोई सर्विस बेस्ड हो, कोई अब तो खैर मेडिकल में आ गए हैं, अब तो बहुत जल्द चीज़ों में यू नो हर डोमेन में एक स्टार्टअप है। देखो और रिसर्च पता है ये भी है कि पुरानी की गलतियों से ढूंढना, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ सबसे पहला सर्च इंजन क्या गूगल था? नहीं, ये मैंने पढ़ा था और मैं भूल गया, है ना। क्या सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट था? नहीं, ये भी मैं पढ़ा था और मैं भूल गया। तो पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट वो चीजें लेके आ रहे हो, आप जब रिसर्च करोगे देखोगे यार किसी ने इम्प्लीमेंट करने की ये सेम चीज कोशिश की लेकिन चल नहीं पाई, और किन रीजन से वो चल नहीं पाई, यानी उनकी गलतियों से आप पहले ही सीख रहे हो, है ना। तो आपके पास जो आपने टाइम वेस्ट करना था, अपनी गलतियां करनी थी, इससे अच्छा उनको रिसर्च करो उन्होंने क्या चीज़ लाए थे, क्या गलतियां करने की कोशिश की, किस वजह से वो चल नहीं पाया, उनको आप पहले ही अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करो जी, तो रिसर्च विल हेल्प यू इन दैट जी। जब तक आपने अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर रिसर्च नहीं की है तब तक, और रिसर्च ऐसी चीज़ है, अब वही कहते हैं ना अगेन कि जंग लड़ने जा रहे हो आप मैदान में, ट्रेनिंग की नहीं है तो क्या होगा जंग में, तो इससे अच्छा पहले ट्रेनिंग अच्छी हो ना, जंग में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। बिल्कुल, है ना। सो रिसर्च इज एक्चुअली योर ट्रेनिंग पार्ट, कि आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं पहले ही कहते हैं फंडिंग दे दो, मतलब वो पहले ही लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, फंडिंग की आप कॉफी भी हो साथ साथ पहले ये जो हम स्टेजेस ऑफ वो कहते हैं कि पहले स्टेज में क्या होता है और फंडिंग आपके हिसाब से इज द लास्ट स्टेज, और फंडिंग एक्चुअली फंडिंग तो देखो हर स्टेज पे चाहिए होती है। एब्सोल्युटली, पर जितना आप जल्दी फंडिंग के पास फंडिंग के लिए जाओगे ना उतना ज़्यादा स्टेक आपको देना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि तब आपके पास देने को है, इस वक्त लेने को कुछ में आप होते नहीं हो क्योंकि यू आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। जैसे कि आई वुड से कि एट द अर्ली एज ऑफ योर लाइफ, जब आप कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स पे अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, उस वक्त आप अपने फंडिंग जो कंपनी या जो वेंचर कैपिटलिस्ट या जो भी कोई आप मान के चल रहे हैं, मैं हूँ या सहेल जी, अगर हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना हम अर्ली स्टेज पे करेंगे उतना ज़्यादा स्टेक भी लेंगे, राइट। देखो सिंपल, और कंट्रोल भी जाता है सर, सिंपल सा सर फंड है बिजनेस का, दुनिया का जो मर्जी बिजनेस है, लो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अब वो जब वो हायर रिस्क ले रहा है वो प्रॉफिट भी करना चाह रहा है, बट रिस्कीनेस इज हाई, तो क्योंकि अभी तो कुछ चला ही नहीं, अभी तो 10 क्लाइंट भी नहीं आपके पास, रिस्क हाई है, तो फिर वो ज्यादा प्रॉफिट यानी ज्यादा शेयर मांगने की कोशिश करेगा वो, तो शेयरिंग एंड प्रॉफिट डिफरेंट, बट अल्टीमेटली वो आज नहीं फ्यूचर का देख रहा है कि यार फिर है। तो शुरू में ऐसा हो सकता है दूसरा बंदा कहेगा चाहे मतलब वेरी लिटल अमाउंट के लिए गिव मी 50%, है ना, कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यू मे नेम इट ही और शी एज अ को फाउंडर, बट एक्चुअली वो कर कुछ नहीं रहे, उन्होंने इनिशियल 1 लाख 2 लाख 5 लाख दिए,
ठीक है, बट दे विल बी रिगार्ड एज को-फाउंडर, दे विल बी रिगार्ड एज समथिंग दैट दे आर डूइंग नथिंग। और एक्चुअली को-फाउंडर कौन होना चाहिए? जो डे टू डे आपके साथ काम कर रहा है, काम करे, जिसने सिर्फ नाम दिया वो को-फाउंडर नहीं है सर। तो इसको हम क्लियरली इन्वेस्टर कह सकते हैं कि हु इज जस्ट देयर फॉर प्रॉफिट। जो शुरुआत के दिनों में, मैं भी वही कहता हूँ, फिल्मी लाइन है ये, जो शुरुआत के दिनों में आपके साथ होता है ना, शुरुआत से बस उसी का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और आप चल गए तो उसकी चांदी, आप नहीं चले तो अगले का घाटा हो जाता है। सेम है ना, है ना। और हर बिजनेस में है, मतलब एवरी बिजनेस, नॉट ओनली स्टार्टअप, एमएसएमई, जितने भी जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, है ना, उनके अंदर भी सेम है। मतलब रिस्क कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो साहिल जी, पंजाब एंजल्स नेटवर्क अब जो फॉर्म हुआ है, और क्या नया, मतलब क्या, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू फायरवर्क्स नाउ इन द रीजन, तो क्या क्या नया लेके आ रहे हैं? वही बीच में हमारी सच बात रहेगी, बीच में जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं वो बीच में रहेगी। सो जब मैंने रिसर्च इसको किया ना, तो आई थॉट, मैंने जब इसको देखा तो देखा कि यार सिर्फ स्टार्टअप को नहीं, हमें एमएसएमई को भी ग्रो करना जरूरी है। और एमएसएमई तो वो ऐसे है जिसको अपने बिजनेस का पता है, उसको कंप्लायंसेस का एटलीस्ट। एमएसएमई का पहले फुल फॉर्म बताओ लोगों को। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आई थिंक जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो अब अगेन एमएसएमई डेफिनेशन, हाँ, फॉर डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट। तो आप इसको मत करो, किसी के अंदर 10 लाख का माइक्रो हो सकता है, हाँ, तो किसी के अंदर 1 करोड़ माइक्रो है, बताओ, ठीक है वो, बट दैट इज ओके, क्योंकि वो हर ने अपनी एग्जम्पशंस, हर एक्ट ने अपने बेनिफिट्स उस हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से देने होते हैं। तो उसको अपनी डेफिनेशन डिफाइन करनी होती है। करेक्ट, है ना। तो कि यार अच्छा उसके हिसाब से, क्योंकि जो वो एक्ट लेके आ रहा है उसमें 10 लाख वाले को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो माइक्रो को उस तरीके से डिफाइन करेगा, है ना। दो यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, लेकिन आई थिंक दैट इज ओके, क्योंकि उसमें वो डेफिनेशन कर रहा, तो हमें बेनिफिट्स चेक करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अदरवाइज हम माइक्रो बोलें तो सबसे छोटा है ना, स्मॉल उससे बड़ा हो गया, मीडियम उससे बड़ा हो गया, उसका तो लार्ज कॉर्पोरेट सही है। बिल्कुल। अब मीडियम भी अगर आप कहो तो 100-200 करोड़ की बात है ही है। मतलब मीडियम इज लाइक द मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ इंडिया, मतलब कि उसकी भी एक, पर मतलब हमें लगता है मीडियम मतलब जो 10 लाख रुपए 20 लाख, नहीं, मीडियम भी गवर्नमेंट के हिसाब से 100 करोड़ वाला मीडियम के अंदर आ जाता है डेफिनेशन में, है ना, सेल्स जिसकी है। वो दो डेफिनेशन अलग अलग है, कहीं में 5 लाख भी है, 5 करोड़ भी है, वो है। हम डेफिनेशंस तो हम डिफरेंट एक्ट के हिसाब से डिफरेंट में जाएंगे, बट जनरली बेसिक ये एमएसएमई मतलब समझ लो आप जो ग्रो थोड़ा बहुत कर चुका है, जिसका कामकाज है जी, कहने का आप ये भी कह सकते हो जिसकी 2-4-5 करोड़ की टर्नओवर है, वो एक एमएसएमई है। ठीक है, यानी सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन उनकी कई बार देखो नहीं आ पाती। तो पंजाब एंजल नेटवर्क के की बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं? स्टार्टअप्स की बात करते हैं पहले, तो वही, क्योंकि दोनों लिंक हैं, नेटवर्क एंड की बेनिफिट्स। की बेनिफिट देखो, अब अगेन सो मैंने स्टार्टिंग में बात की, अब आइडिया की बात करें सबसे पहले स्टार्टअप में, आइडिया की वैलिडेशन। नहीं पंजाब एंजल नेटवर्क क्या क्या करने वाला है? पंजाब एंजल नेटवर्क दोनों में डील करना है, दोनों क्या, रादर स्टार्टअप्स एमएसएमईज, और रादर वील बी कोलैबोरेटिंग जो इंडस्ट्री एकेडमी है ना, उनको भी कोलैबोरेट करेगा। देखो मैंने वही बात की, रिसर्च जब तक एमएसएमई तक स्टार्टअप तक नहीं पहुंचेगा ना, हम ग्रो नहीं कर सकते। तो हमें एकेडमिया को भी साथ में लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी साथ में लेके करना पड़ेगा, और रादर बीएमओ जितने भी जो बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको भी साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सीआईआईज हैं, ये हैं, कहीं ना कहीं ये ना एक पावर एंड ऑल के लिए ठीक है, इवेंट्स हो रहा है, लेकिन अगेन बात करो तो कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिसाइडिंग एंड डूइंग, है ना। ये इवेंट्स एंड ऑल में कई बार क्या चीज होता है, डिसाइड बहुत कुछ हो जाता है लेकिन डू मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग के लिए फिर अगेन इट टेक्स टाइम। मतलब एक बारी ना हैरानगी की, मतलब हैरानगी ये समझ लो, मैं एक बारी मिला कोई ना अपने अचीवमेंट्स दिखा रहा था कि यार मैं ये था, डायरेक्टर था, ये था, वो था, सो लेट्स मेक अ प्रेजेंटेशन, कहते हेल्प मी आउट जी। मैंने कहा ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट जी। तो ही टोल्ड मी कि देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैंने कहा सर फोकस रहेगा, अगर मैं बताएंगे इसके बाद मेरा रिजल्ट क्या रहा? कहते रिजल्ट तो कुछ नहीं, बस इवेंट कर दिया था हमने। यू अंडरस्टैंड कि इवेंट करना ही एक उनके लिए बस वो अचीवमेंट है। इवेंट के रिजल्ट्स क्या है? मैंने अगर कुछ किया तो उसका क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, फायदा हुआ? फायदा नहीं, बस एक इवेंट हो गया तो मतलब मेरा काम हो गया, किसी को जाके मिल लिया तो मैंने मतलब कुछ किया है, किसी के साथ जाके मैंने कोलैबोरेशन कर ली, चाहे हुआ कुछ नहीं, ऑन रिकॉर्ड ही है, तो मतलब हो गया। अब एमओयू किसी के साथ हो जाना, है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी अभी रिसेंटली मतलब
इस रीजन के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, मैं नाम नहीं ले रहा है ना, उन्होंने ना मतलब एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ जी, उन्होंने कहा कि ना उनको गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कि हम आपके साथ एमओयू करना चाहते हैं ओके ठीक है फॉर दिस थिंग, तो आपकी तरफ से कौन करेगा? कहते सर एमओयू का करना क्या, आठ पहले साइन है उसका तो कुछ किया नहीं। देख सीरी ने भी बोला समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, ये तो एमओयू वाली बात हो गई। हाँ तो समटाइम साइनिंग एमओयूज को साइन करने से कुछ नहीं होता जी, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिसाइडिंग एंड डूइंग। तो हमें डिसाइड, हम अपनी लाइफ में भी बहुत चीजें डिसाइड करते हैं, ये करेंगे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम कर नहीं रहे। तो क्या आपको लगता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ इंटेंट है, या लैक ऑफ एग्जीक्यूशन है, या तैश में आके हम बहुत चीज़ें अनाउंस कर देते हैं कि हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम बड़े बड़े फंडिंग्स लेके आ रहे हैं, हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना रहे हैं, हम पूरा वर्क फ्लो सिस्टम आसान कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड मैं अगर किसी स्टार्टअप से जाके साहिल जी मिलता भी हूँ और मैं पूछता हूँ कि जी पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट ने इतना अनाउंस कर दिया है या फेडरेशन ने इतना अनाउंस कर दिया है कि इतने करोड़ का ग्रांट मिल जाएगा, इतने करोड़ की सब्सिडी मिल जाएगी, इतना करोड़ का ये मिल जाएगा, पर जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या आपको मिला, तो सब लोग गोलमोल करके एक एक ड्रिंक का ग्लास उठा के इधर उधर होने शुरू हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है सर? उसकी मिलता है तो बताते नहीं है, मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता नहीं, देखो इसमें ना जो प्रॉब्लम पता क्या है, तो नहीं मिलता नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मिलता है, फंड्स हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे को भी बहुत सारे जो यहाँ के इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा अप्रोच कर चुके हैं जी, है ना, कि यार कुछ हो, लेकिन उनको सबको ना कैटेगराइजेशन देती है ओके। फॉर एग्जाम्पल कि एक को कह दिया कि भाई आपने ना दो चीज़ों में करना है, टेक्नोलॉजी और एयर बेस में, मान लो, तो वो क्या करता है, ढूंढता है हर तरफ की कोई इन दो में से है कोई जिसको मैं पैसे दे सकूं। फिर कई बार होता है कि वो मिलता नहीं है, कुछ चीज़ें होती नहीं है, तो फिर उसके अलावा वो फंड ही नहीं करता, या मिलता है और वर्दी नहीं होता, वर्दी क्योंकि वैल्यूएशन। दूसरी बात ये है, राइट फॉर्म ऑफ स्टार्टअप्स भी नहीं, राइट और वो कल्चर नहीं है एक्चुअली। मतलब ये गलती स्टार्टअप की नहीं है, जब मैं स्टार्टअप को बताता हूँ ना कि यार ये पाँच चीज़ें दस चीज़ें होनी चाहिए हमें बिफोर पिचिंग टू एनी वन, वो कहता है ऐसा तो आज तक हमें किसी ने बोला ही नहीं है। मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे ये पांच चीज़ें दस चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है जब मैं किसी को पिच करने जाऊँ। साहिल जी जब हम बात करते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी और होगी? हाँ है पड़ी उसमें कॉफ़ी, उसमें तो देखना पड़ेगा ना, तो दो मिनट लगते हैं, दो मिनट हाँ अपना ही दो फिर, ताकि मैं अगला सवाल तैयार कर लूँ। और डालो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और डालो डालो डालो, वाह वाह वाह, बता देना बस बस, ढक्कन बंद कर दो, वेरी गुड। अब ये कॉफ़ी रीफिल की जाएगी ताकि हमारे सवालों का सिलसिला शुरू हो। मज़ा आता है जब हम कॉफ़ी पे बात करते हैं। तो साहिल जी मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स से मिलते हैं, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज होते हैं, या मे बी उन्होंने बहुत थोड़ा अरसा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस किया होता है, यानी कि इमीडिएटली ग्रेजुएशन से प्लेसमेंटली दे वर्क फॉर टू इयर्स एंड देन दे केम अप विद एन आइडिया कि हाँ अब मैं अपनी पसंद का, अपनी चाहत का कुछ काम करना चाहता हूँ। बट राइट नाउ मेरे पास अभी मे बी मैं बहुत अच्छे एक बिजनेस स्कूल से या एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से निकलाऊंगा, है ना, और मेरे पास हालांकि बिजनेस का फंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी आई एम ड्रॉइंग सैलरी, आई वाज ड्रॉइंग सैलरी टिल डेट, नाउ आई हैव टू हायर पीपल, नाउ आई हैव टू मैनेज इमोशंस एंड मैनेज एवरीथिंग, कोई छुट्टी पे जा रहा है, लीव है, फिर HR भी आ जाता है। सो आपको महसूस होना शुरू होता है कि हर डिपार्टमेंट या एक पूरी मशीनरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इस सवाल के पहले पहलू पे आता हूँ, क्या हमें एट द एजुकेशन लेवल ही क्या हमें इन रिस्क से मतलब रूबरू कराया जाता है? क्योंकि यही एक आपका प्रोग्राम आता है जो आप कह रहे हैं फॉर स्टार्टअप्स में एक प्रोग्राम वंस एवरी टू वीक्स या थ्री वीक्स हम रखेंगे, विच इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट एंड सम बारिंग सम फूड एंड अदर चार्जेस विच ऑब्वियसली आर पार्ट ऑफ अ मीटिंग, क्योंकि पूरा दिन आप ट्रेनिंग पे हैं तो यू नीड समथिंग राइट। सो बट द ट्रेनिंग दे आर गोइंग टू इम्पार्ट इज टोटली फ्री। तो क्या ये लैक ऑफ ट्रेनिंग एट द एजुकेशन लेवल या एट एन वेरी अर्ली लेवल क्या हम अभी भी लैक कर रहे हैं? क्योंकि वेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बी स्कूल ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड बैक, आई मीन स्टार्टअप वर्ड, फिलिप कॉटलर की बुक या कोई भी बुक्स जो हमने मैनेजमेंट्स में पढ़ी हैं एंड ऑल द स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, ये सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग,
स्टार्टअप वर्ड वॉज नॉट देयर. The word entrepreneurship just was a definition. Ki what is the difference between this and this. Bas ye ek theoretical level mein pucha jata tha. But when the risk taking ability ab aayi hai, to ab ye cheez practically play mein hai. To kya academics mein ye lack kar raha hai abhi bhi ya aur field experience ke beech mein? वो तो टोटली है. देखो तभी हमारे कोर्सेज अगेन मतलब एज पर माय प्लान आई विल आल्सो टारगेट इनक्यूबेशन सेंटर्स जो एग्जिस्टिंग इनक्यूबेशन सेंटर उसमें रीजन के ये जो आपने बात किया राइट मैं उसको क्या करने वाला हूँ जी. फॉर एग्जांपल 10 लेक्चर्स होंगे जी. 5 लेक्चर जो होंगे वो एक एकेडमिशन के होंगे यानी जो कोर्स के अंदर जो 10 चीजें लिखी हैं क्योंकि पहले स्टूडेंट को पता को तो कि है क्या दुनिया में. एब्सोल्युटली. फिर उसकी क्वेरीज हैं. क्वेरीज के लिए फिर मैं क्या करूंगा अगले 5 लेक्चर जो प्रैक्टिकली उस फील्ड में 10 से 20 साल के लिए काम कर चुका है जी. उसको लेके आऊंगा वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शेयर करेगा और स्टूडेंट अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज 5 लेक्चर में ले चुका है उससे वो क्वेश्चंस भी पूछेगा कि अच्छा ये सिचुएशन हो तो क्या होगा या ये सिचुएशन आए तो हमें क्या करना चाहिए. और अगर वो स्टार्टअप ऑलरेडी चला रहा है तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल पूछेगा. अच्छा मान लो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है मुझे इसको स्केलेबल करने के लिए मार्केटिंग में क्या करना है या मुझे इसको फाइनेंस से रिलेटेड तो कॉस्ट में क्या वेज हैं. अब हमारे फाइनेंस के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं जी सो यू नो देयर आर 10 वेज वेयर यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट. एब्सोल्युटली. बट नोबडी डज इट. होता क्या किसी के जेब में 1,00,000 रुपये आ रहा है ना वो कहता चल ठीक है यार 1,00,000 रुपये तो आ रहा है. ये नहीं पता विदाउट डूइंग नथिंग एल्स इफ यू मैनेज योर फाइनेंसिस प्रॉपरली वही 1,00,000-1.5 लाख बन सकता है. है ना. ओनली इफ यू मैनेज ऑल योर फाइनेंसिस प्रॉपरली. है ना. अब फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग कहते हैं यार लोन नहीं लेना चाहिए. कहते हैं नहीं लेते हैं. है ना. क्यों. अब मुझे बताओ इक्विटी फियर ऑफ आउट ऑफ द फियर. लेकिन अगर फाइनेंशियल की बात करें लोन में तो मुझे 10% देना है. माय बिजनेस इज गोइंग टू अर्न मच मोर देन दैट. इट विल अर्न 30-40-50% तभी बिजनेस एक्सपेक्टेशन होती है. राइट. है ना. जब इतना अर्न करेगा तो यानी आप कोई भी चीज लोगे 100 की और 10 रुपए उसको दे दोगे यानी सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर 10 और आप उसमें डालो तो फिर वो आपको कितना अर्न देगी. है ना. अब एक मैं एक बताता हूँ आपको. अ गुड स्टार्टअप एट अ वेरी गुड लेवल तो ही स्टार्टेड अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल. सो ही कॉल्ड मी. अब क्या था यार अब मेरे को लग रहा है कि मैं ना एक बिल्डिंग खरीद लूँ या प्लॉट खरीद लूँ. मैंने कहा अच्छा कहता मैं खरीद लूँ कि ना खरीदूँ. मैंने कहा देखो पैसा कहाँ लगाना है इज अ राइट फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू हैव. मेरे पास जो 5 अपॉर्चुनिटीज है शायद आपके पास ना हो. आपके शायद जो 5 है मेरे पास ना हो. मेरे पास ना तो खाली आपके पास अपॉर्चुनिटीज का ये नहीं पता मुझे. है ना. तो कहता नहीं मैं सोच रहा हूँ बिल्डिंग ले लूँ ये कर लूँ. मैं क्या अच्छा एक बात होता बिल्डिंग में पैसा कितना सोच रहे हो. कहता मान लो 2 करोड़ रुपीज. मैंने कहा अच्छा अगर यही 2 करोड़ रुपीज आप अपने बिजनेस में लगाओ तो आप कितना रेवेन्यू अर्न करोगे. कहते ये 2 करोड़ रुपीज अगर मैं बिल्डिंग में लगाऊंगा तो कितना रेवेन्यू अर्न करोगे. कि रेंटल इनकम प्लस एप्रिसिएशन लगा लो 5 साल की एप्रिसिएशन कितनी आपको एक्सपेक्टेड है. और यही 2 करोड़ रुपीज. कहते नहीं वो 2 करोड़ तो मैंने बैंक से लोन भी ले रहे हैं 1.5 करोड़ ये तो 50 लाख ही लगा रहा हूँ मैं. मैंने कहा वो तो बिजनेस के लिए भी मिल जाएगा. बिजनेस में लोन नहीं लिया बात अलग है लेकिन वो तो बिजनेस से भी सेम अमाउंट मिल जाएगा आपको. तो बिजनेस में भी लगा रहे हो तो उसको छोड़ दो कि लोन मिल रहा नहीं मिल रहा इट इज़ द सेम. है ना. तो वो 2 करोड़ अगर आप बिजनेस में लगाओ तो ही कैलकुलेट. कहता है यार ये तो 2 करोड़ अगर मेरा जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है आई कैन 4 करोड़ इन अ ईयर. उस तरीके से तो मैं 5 साल में मैं तो 20 करोड़ कमा लूंगा. मैं कह और बिल्डिंग कहता वो मैक्सिमम 4 करोड़ की हो जाएगी 5 की हो जाएगी. मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं कहा. इट इज़ यू योर सेल्फ इवेल्यूटिंग थिंग्स. तो मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड मे बी मीटिंग यू नो द चेयरमैन ऑफ पंजाब एंजल्स नेटवर्क यू विल गेट दीज थॉट्स बिकॉज their team their whole board will make you think. कॉफी भी साइंस के. हाँ हाँ. तो अब इसी में देखो राइट फॉर्म की बात करें ना यही हमारे जो पंजाब एंजल्स की नेटवर्क की ना USP है जी. ठीक है. कैसे. अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे स्टार्टअप है चाहे बिजनेसमैन है चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर लो उसको ना हर 5 से 6 या 7 लोगों की जरूरत है. रिसर्च जी मार्केटिंग फाइनेंस लीगल HR सबके मिनिमम इतने मिनिमम. हाँ और मैं क्यों इनके बेनिफिट क्या स्टार्टिंग में व्हेन आवर कंपनी स्टार्टेड आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट. इट स्टार्टेड विद 4 पीपल. वी हैड 4 पीपल टू बिगिन विद एंड नाउ वी हैव मोर देन लाइक 60 पीपल वर्किंग विद अस. And but the formation was done by a chartered accountant
ऑफ कोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम मिनिमम फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड फॉर एनी कंपनी एनी प्राइवेट लिमिटेड एनी बिजनेस एनी पार्टनरशिप फर्म एवरी एनी थिंग टू सेट द बॉल रोलिंग सो दैट आप एक बिजनेस वर्किंग अकाउंट बैंक में खोल सको. हाँ तो इसको हम बोलते हैं जनरली कि जहाँ पैसा वहाँ सीए. हाँ तो अगर पैसा है तो सीए की जरूरत है ही है क्योंकि आप कंप्लायंसेस देखो आप जीएसटी है आप हर महीने भर रहे हैं. तो वेंस यू ग्रो आपके पास जो दो रुपये भी आते हैं तो वो भी टैक्स कट के आते हैं. मतलब अगर आपकी टोटल वाइट मनी ट्रांजेक्शन चल रही है तो अब बहुत बिजनेसेस हैं मैं नहीं कह सकता जो आज भी ब्लैक और वाइट का बहुत मिक्सचर पे रन कर रहे हैं बट अगेन यू उसको भी आपको लेजिटिमेट फॉर्म में लाना पड़ता है सर, है ना. देखो ऐसा है कि अगर आप कंप्लायंसेस कर रहे हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल. लेकिन अगर आप नहीं करते और बाद में 2 साल बाद करते हो ना तो आपको 10,000 देने पड़ते हैं. तो आपकी कॉस्ट जितना आपने फिर प्रॉफिट कमाया है ना 2 साल में वो सब फिर सारी पेनल्टीज फाइन नॉन कंप्लायंस जितने भी किए हैं ना उनमें लग जाएंगे, है ना. और जब मैं बात कर रहा था अब देखो एग्जांपल मैं जब सबके ले रहा था लीगल या एचआर फॉर एग्जांपल लीगल क्या है. कहते हैं लीगल की मेरे को क्या जरूरत है. पर आप देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो वेंडर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ को फाउंडर्स के साथ को फाउंडर एग्रीमेंट मतलब आपस में हम दोनों ने बना ली कंपनी हमने कहा चल यार देख लीजिएगी जो होगा हम काम करते हैं. मेरी एक्सपेक्टेशन थी यार आप मैं टेक्निकल हूँ आप नॉन टेक्निकल हो मैं 75 रख लूंगा आप 25 रख लेना, है ना. लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन थी चाहे जुबानी हुआ नहीं हुआ मैंने कहा चल करते हैं. आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों कर रहे हैं 50-50 होगा तो एक्सपेक्टेशन कहीं लिखी नहीं बाद में प्रोडक्ट चल गया तो कह रहे हैं आप बता क्या करना है और कोई वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है. मतलब कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कोई डिफाइन ही नहीं किया रोल्स एंड बेसिकली जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स आते हैं वहाँ पे यू नीड समवन टू ड्राफ्टेड और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें जब भी आप नए मैन पावर लें. अगर देखिए एक अच्छी कंपनी की पहचान यही है आप ये मत सोचें कि आज जो स्टीचर है आज आप एक ख्वाब को लेके बैठे हैं और कल को वो ख्वाब बड़ा होगा तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत लोग जुड़ेंगे. जब वो लोग जुड़ेंगे तो क्या वो अपनी शर्तों पे जुड़ेंगे या आपकी शर्तों पे जुड़ेंगे वो शर्तें क्या होंगी, ठीक है. ये हम टोटल बिजनेस और बहुत ही पुख्ता आम भाषा में बात कर रहे हैं तो उसकी कहा सुनी क्या होगी दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट. वेरी सिंपल उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन बनाएगा वही जिसको लीगल लैंग्वेज आती होगी जो लॉयर होगा. अब आप कोई मेडिकल फ्रटर्निटी से हैं तो किसी को मेडिकल टर्म्स पता होनी चाहिए. आप एंटरटेनमेंट पे हैं एंटरटेनमेंट लॉज बहुत डिफरेंट हैं. हमारे केस में साहिल जी आईपीआर बहुत मैटर करता है नॉन डिस्क्लोजर बहुत मैटर करता है क्योंकि हम ऐसी प्रोजेक्ट फिल्मों पर काम कर रहे हैं जहाँ हमें पता है कि लीक हो गई तो ख़त्म हो गया ना काम. जैसे आपने अब यही प्रॉपर अब मैं अपनी भी अब आपने इस मतलब बड़ी सही बात बोली है मतलब मैं ना स्टार्टअप आएगा ना कहीं. अब देखो यू नो कि जो भी अच्छा स्टार्टअप आप अच्छे हो नहीं हो किसी भी इन्वेस्टर का जाओगे आपको कहेगा तेरा स्टार्टअप बेकार है जी नोबडी मिल से वो क्या कहेगा अभी आपकी राइट स्टेज नहीं है आप 2-3 महीने बाद मुझे मिलना है ना कि यू डू समथिंग जी. तो स्टार्टअप पता है क्या करेंगे आ जाएंगे सर ये देखो इस बंदे ने मुझे मैसेज किया. अब वो भैया मैसेज आपको किए तो फंडिंग तो नहीं की ना तो कहेंगे देखो मैसेज किया तो इसका मतलब है कि मैं सही हूँ. अरे सबसे मज़ेदार बात बहुत जगह फोटोज भी देखते हैं ना जैसे ऑब्वियसली हमारे काम के मैटर में मीट एंड ग्रीट बहुत होता है ऑब्वियसली आप इंडस्ट्री में सबको जानते हैं हम काम करते हैं मिलते जुलते हैं. लोग क्या करते हैं फटाफट जाते हैं जिस जो भी कोई लगता ना उन्हें कि भाई ये ठीक ठाक चल रहा बंदा उसके साथ फटाफट दो पिक्स डाल के लिंक्डइन पे या फेसबुक पे डाल देते हैं फोटो और फिर वो सारी फोटो लेते हैं सर आई नो हिम पर आपकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं है ना. आपको तब कोई जानता है जब आप बाई गॉड आप उन्हें रात को किसी टाइम फोन कर लो और वो आपके 2 घंटे में फोन उठा के आपका काम करें आपकी वर्थ मैं कह रहा हूँ तब पता लगती है. जो कोई आदमी आपके 2 प्रोजेक्ट्स पहले चले हो तीसरे पे सिर्फ 1 वन लाइनर पे आपके पैसे लगा दे फिल्मों के केस में भी मैं कह रहा हूँ सर हर बार नहीं होता कि इन्वेस्टर्स आपकी पूरी स्क्रिप्टें सुनते हैं वो सुनते हैं वो कहते हैं नहीं यार आई नो हिम आई नो इज वर्थ आई नो दैट ही हैज डन 100+ फिल्म्स तो मैं इसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा, ठीक है ना. अभी आप बहुत स्टार्टर लेवल में आप समझे आप डेब्यू कर रहे हैं आपकी पहली फिल्म आ रही है तब आप पे लोगों को समझना है तब तो एक्टर ने भी आप पे ट्रस्ट करना है क्या पता लगे मेरा करियर इन्हें डूब जाए. क्योंकि आई थिंक जब आप भी बहुत कंपनीज को फोकस कर रहे हैं आपके भी पोर्टफोलियो कहेंगे कि एज पंजाब एंजल्स नेटवर्क चेयरमैन आपके पास 15 कंपनीज है देखने के लिए एन नंबर ऑफ कंपनीज आप देखने के लिए और वो सारे आपके बेबीज हैं क्योंकि वो सब आपसे गाइडेंस लेने आए सर.
तो ये तो वो बात हो गई कि माँ ने एक बच्चे का काम नहीं ठीक किया, दूसरे का ज्यादा कर दिया। इसीलिए मैं जो एग्रीमेंट की बात करते हैं एनडीए की, एनडीए की तो एनडीए की बात कर रहे थे नॉन डिस्क्लोजर हम, अब मैं वो मैसेज की बात कर रहा था। लोग क्या इधर मैंने उसको कहा उसको दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे, हम आता है हमारे पास सेट, हम कहते हैं उसको कि यार तुम्हें पहले एनडीए साइन करना पड़ेगा, सो दैट व्हाट एवर द कम्युनिकेशन इज बिटवीन मी एंड यू शुड रिमेन बिटवीन मी एंड यू। एब्सोल्युटली है ना, इट शुडंट गो टू पब्लिक एंड ऑल। तो 50% कहते हैं एनडीए को साइन करना। यार एनडीए इज नथिंग, इट्स जस्ट सेइंग कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट शुड रिमेन विद इन अस। आप कल को मेरे से इंफॉर्मेशन ले जाओ, आगे बांट दो। समझो कि यही नहीं पता एनडीए होता क्या है, जब उसको पता नहीं है तो फिर मतलब इतनी चीजें एनडीए के लिए। और इसके बाद बहुत प्रमुख हिंदी फिल्म का डायलॉग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, क्या सोच के आते हैं। अब इट इज सोच के नहीं सर, अगेन वो इकोसिस्टम हमारा ऐसा है। आप मुझे बताओ जी, जब आपको पता ही नहीं, आप एक जो फिल्म के अंदर जा रहा है, मान लो कोई आ रहा है, उसको पता ही नहीं यार ये मुझे ना पहले एक्टिंग सीखनी पड़ती है, फिर जाके करनी पड़ती है, फिर मेरे को ऑडिशन देना पड़ता है, फिर मेरे को जाकर रोल मिलता है। वो कहता नहीं सीधा मेरे को रोल दिलाओ, रोल ही दिलाओ, हीरो ही लॉन्च कर दो, मेरे को ऑडिशन भी लेना आपने। पता नहीं मेरे को आता है, मैं कह रहा हूँ मैंने बताया आपको आता है तो मेरी बात नहीं मान रहे आप, है ना, ये समझ रहे बात आप। मैं ये पूछूंगा ये आप किस लाइन में आ गए हैं, है ना। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि मतलब उनको समझाना, फिर वो हमारा इकोसिस्टम ऐसा है कि लोगों को लगता है यार, मतलब कहते हैं ना जब खुद को ना आता दूसरे कहते हैं यार इसको नहीं आता। जी स्टार्टअप्स में भी बैकबाइटिंग होती है बहुत ज्यादा, होती होगी, डजंट बॉदर, अपना लाइफ का एक असूल है। दुनिया में कुछ भी कर लो जाके 50% लोग आपको कहेंगे गलत है और 50% कहेंगे सही है। तो कुछ भी कर लो, मैं सही कर लूं तो गलत नहीं, क्योंकि हर एक का थॉट प्रोसेस, थॉट चीज अलग है, अलग है। अगर मैं उसी के पीछे पड़ गया यार ये मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगा, ये मेरे बारे में गलत तो नहीं बोलेगा, बस फिर तो मैं उसी को कैटर करता रह जाऊंगा, अदरवाइज सब चीजें भूल जाऊंगा मैं। ये साहिल जी इतनी मजेदार बातें कर रहे हैं ना, मतलब आप आओ इनके पास एट द ऑफिस ऑफ पंजाब इंजीनियर्स नेटवर्क और ये आपको खुश करके भेजेंगे, मतलब आपका स्टार्टअप चल जाएगा। मतलब एटलीस्ट आई वुड से सही गाइड या सही फोरम, सही नेटवर्क वही है जो आपको एट द वेरी इनिशियल लेवल बता सकता है कि आप अगला स्टेप लें या ना लें, पहली चीज़ आप किस डायरेक्शन में लें। क्योंकि एक कदम जैसे एक लूडो की तरह है ना, इधर चलना है या इधर चलना है या इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, मतलब आप एक चौराहे पे खड़े होते हैं। आप जब आपकी स्टार्टिंग होती है ना तब आप लिटरली एक चौक पे खड़े होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि मैंने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है तो मैंने नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, साउथ या वेस्ट, कहाँ जाना है। देखिए सही नेटवर्क वही है जो आपको सही गाइडेंस दे। अगर आपका प्लान है तो वो आप, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है उस मामले में या उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तभी साहिल जी ने कहा कि जब भी एक नेटवर्क बनता है तो एक ही पर्सन नहीं होता उसमें, उसमें एक पूरा एक फोरम होता है, एक बोर्ड होता है, उसमें एक्सपर्ट पैनलिस्ट होते हैं। कोई कोई समबडी कम्स विद अ एक्सपीरियंस ऑफ 35 इयर्स इन रिटेल, समबडी इज फ्रॉम यू नो 25 प्लस इयर्स एज अ लॉयर, ठीक है, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, उनको टर्म्स गवर्नमेंट पॉलिसीज ओवर द ईयर सब पता है। समबडी इज अ गाइड एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, समबडी इज इन टू मार्केटिंग, जिसने खुद ही नहीं कुछ मार्केट किया होगा वो आपको क्या एडवाइस देगा, ये वही बात है ना। तो समबडी इज इन टू अपवर्ड से कि इफ आई एम देयर सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट हाउ विजुअल्स कैन इम्पैक्ट योर मार्केटिंग, सो आई एम वेरी क्लियर इन दैट। मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका बजट इस वक्त डिजिटल में लगाना है, आपको वहां लगाना है। मैं कह रहा हूँ आपने अगर डिजिटल प्लान कर लिया है एंड देयर यू नीड फिल्म्स, दैट इज वेयर आई कम इन। सो बड़ा क्लियर एक थ्रेड लाइन है कि अगर ये है तो ये है ना। अगर आपने सेल करना है तो आपने सेल्स, आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो ये बताएंगे कि इज ऑनलाइन मच बेटर फॉर यू और स्टोर इज मच बेटर फॉर यू, डू पीपल नीड टू एक्सपीरियंस योर प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, देन स्टोर इज द बेटर प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल केक है या बेकरी है, आई मीन टिल पीपल डोंट टेस्ट योर केक दे विल नॉट ऑर्डर योर केक, सो योर ऑर्डरिंग ऑनलाइन विल ओनली हैपन फॉर द थर्ड और द फोर्थ टाइम बट परहैप्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि मैं तो एक्सपीरियंस करके लेने वाला हूँ, देखा सीरी भी कहती है कि समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई। तो ये सारा ना अनुभव आपको समटाइम्स जब आप नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होते हैं, आप राइट लोगों से मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे ही तब। ये घर बैठे रहेंगे आप वीडियोज देखते रहोगे, ये आपको वैसे नहीं मिलने वाले।
क्योंकि दवाई तो हर एक की अलग है, मतलब आपको चाहे खांसी है पर खांसी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग अलग है, डॉक्टर पूछता है आपको कोई और एलर्जी तो नहीं, आपको एक पर्टिकुलर दवाई, लोग फोन करते हैं मेरे को ये हो गया मैं क्या लूं, ये ले ले, इट मे नॉट वर्क फॉर यू। बिल्कुल, आप अलग शहर में हैं, आप अलग बैकग्राउंड से हैं, आप एक होल सेट ऑफ मैन पावर ही अलग लेके चल रहे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है, आपके पास कैपिटल ही बहुत डिफरेंट है, आपके पास सब कुछ ही डिफरेंट है, तभी तो आप कुछ नया कर रहे हैं। अगर आपके पास सेम ही है तो फिर आप नया क्या कर रहे हैं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। देखो नया सेम एंड ऑल नहीं है, अब हर एक का ना पैशन भी होता है, कई चीज़ ना सोच के करते हैं, यानी अगर आप, मेरे को लगा यार आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो है ना, फिल्मिंग बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी इस लाइन में आ जाता हूँ है ना, या इसमें भी पैसा बहुत है मैं इसमें लाइन में आ जाता हूँ, यार इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। जिस फील्ड में मैंने 20 साल लगाए या आपने 20 लगाए, क्या मैं 2 दिन में सीख सकता हूँ, क्या मैं 2 महीने में सीख सकता हूँ, नहीं। तो आपका पैशन, आपकी एनर्जी, उन सब चीज़ें जिस जिसमें आपका ध्यान जा रहा है ना, वो शायद सीख भी लो 2 महीने में, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हो ना, नहीं है। तभी मैं एक मैं ऑनलाइन बोलता हूँ हमेशा कि पैसा ना मिट्टी बेचने में भी है, सोना बेचने में भी है, कमाना आना चाहिए। वो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब पता है क्या, अगर आपको अपना काम करना आता है, चाहे मिट्टी बेच लो चाहे आप सोना बेच लो, यानी कि जिसकी वैल्यू चाहे उतनी वेट के वाइज कम हो है ना, मतलब सोना 10 ग्राम भी इतना महंगा होता है, 10 ग्राम मिट्टी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट दोनों में है जी, पर आपको बेचना आना चाहिए है ना, यानी आपको जब उसके प्रोसेसेस आपकी चीजें वो आनी चाहिए। अब एचआर डिपार्टमेंट भी आप देख लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो 100 जब तक बंदे नहीं तो कहते हैं एचआर की जरूरत नहीं है, बट आपको ये नहीं पता पहले 10 बंदे छोड़ के क्यों चले गए, क्योंकि आपका प्रॉपर एचआर नहीं था। तो इसीलिए हम एक तरीके से फॉर एमएसएमईज कह लो या एक स्टार्टअप के लिए, हम आपने सुना ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जी, तो हम ला रहे हैं बिजनेस हेल्थ चेकअप। तो बिजनेस हेल्थ चेकअप का मतलब है कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, सारे एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, लीगल, एचआर की क्या सारे इन्फॉर्म है, और वो फिर हम आपको बताएंगे। क्योंकि कई बार देखो मेरी पूरी, मेरे को लगता है पूरी बॉडी ठीक है, लेकिन ना कहीं मान लो थोड़ा सा पेट में दर्द है, तो तब भी आप काम नहीं अच्छे कर रहे हैं, फुल एनर्जी से नहीं कर पा रहे, शायद वही आपको रोक रही है। तो मे बी आपकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो, फाइनेंस आपको यार पैसा भी बहुत है, स्टॉक भी बहुत है, जा भी रहे हैं, पर फिर पता नहीं हो रहा है, ये नहीं पता यार एम्प्लॉई छोड़ के जा रहे हैं ना बार बार, या एम्प्लॉयज अच्छे से 10 घंटे भी काम नहीं कर रहे, आते हैं घूमते फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं टाइम पे होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, डिलीवर नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो अल्टीमेटली वो कहते हैं ना, देयर इज अगेन अ डेफिनेशन वेदर यू आर एक्टिव और प्रोडक्टिव। कभी मतलब हम भी लोगों में साफ कहते ना, उन्होंने कहा टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, और अल्टीमेटली आप 5 दिन मत कहोगे मैंने 5 दिन में किया क्या, करेक्ट, टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब आप एक्टिव थे बट आप प्रोडक्टिव नहीं थे। तो हम जब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इन अ सेंस हेल्थ चेकअप एक बॉडी का होता है, हम बिजनेस चेकअप करेंगे, उसके अंदर हम आके देखेंगे सारे एस्पेक्ट्स, फिर आपको बताएंगे यार आपका एचआर जो भी एक्सपर्ट, मैं सारे हैं, जैसे मैं तो फाइनेंस का है, लेकिन वो एक एचआर वाला एचआर का करेगा, लीगल वाला लीगल का करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का, यार आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 चीज़ें तो ठीक चल रही हैं, 2 चीज़ों की और जरूरत है जी, है ना। जैसे एक रिपोर्ट आती है मेरे पास, उसमें एक लिखा होता है ना स्टैंडर्ड्स कितने होने चाहिए, बिल्कुल, और एक होता है आपकी रिपोर्ट क्या है, तो उसमें जो उनसे होते हैं ना, जो उनसे गलत होते हैं वो बोल्ड हाईलाइट किए होते हैं, वो जैसे ही ब्लड 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 रिपोर्ट में नहीं आते HB इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, प्लेटलेट इतने होना चाहिए, WBC उसकी रेंज दी होती है, और आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो एग्जैक्टली। तो वही हम कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये हैं, और आप देखो कहाँ पे हो, अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अच्छे हो तो अच्छी बात है, मान लो कहते हैं HB 12 होना चाहिए तो अच्छी बात है, 14 तो अच्छी बात है, 18 तो और अच्छी बात है, बट एक अपर साइड लिमिट से भी ऊपर ना हो जाए तो ओवरफ्लो वाली बात है ना। तो वो चीजों को हम मतलब बताएंगे, और उसकी भी स्टेजेस हैं अगेन, कि पहले प्रिलिमिनरी स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या, थर्ड स्टेज क्या है, अगर वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है या वो ग्रोथ चाहता है। आज की डेट में वो कहता है यार मैं 10 करोड़ तो कमा रहा हूँ बट मुझे 100 करोड़ कमाना है, लेकिन प्लान क्या आपके पास, स्ट्रेटजी क्या है, क्यों, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि 10 करोड़ पे आते ही पता आपके प्लान क्या हो जाता है, यार आज मैं बड़ी गाड़ी कौन सी लूँ, है ना, मैं बड़ा घर कौन सा लूँ, वो प्लान आपका, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, वो आपका अभी प्लान बन जाता है, यार इतने तो पर मंथ आ रहे हैं, अब EMI मैं इतनी निकाल सकता हूँ, अब मैं ये घर ले लेता हूँ या मैं इतनी गाड़ी ले लेता हूँ, तो वो भी अच्छा है, दैट गोज विद योर स्टेटस थिंग्स एंड ऑल, दैट इज माई पर्सनल हैप्पीनेस, अनटिल एंड अनलेस आई एम हैप्पी तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने एक गाड़ी ले ली तो 5 साल तक जनरली उसकी लाइफ होती है मिनिमम, नहीं तो 10 भी कहते हैं, 5 तो लो। तो अगर आप ऐसे है कि हर 2 साल 1 साल में नई नई गाड़ी ले रहे हो, तो इसका मतलब है बस आप उसमें उलझे हुए, करेक्ट,
है ना, तो राइट टाइम पर राइट चीजें लेना ही, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ही एब्सोल्युटली हम करते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जनरली मैं बोलता हूँ व्हाट इज अ यूएसपी, या यूएसपी तो नहीं कहूंगा इसको मैं, कि हर बिजनेस में रिस्क हमने बात की स्टार पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। देखो हर बिजनेस, हर बिजनेसमैन, हर स्टार्टअप, हर बिजनेसमैन को बिजनेस मानने के लिए मतलब है रिस्क है जी। हम दुनिया में कोई भी बिजनेस रिस्क है वगैरह तो बता दो जी, नहीं है ना। तो हम उसका रिस्क डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रिस्कनेस लग रही है 30% है, तो हम चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट, सारी स्ट्रेटेजाइजिंग प्लानिंग पहले ही देख लेंगे कि वो देख लें। अब कहते हैं ना कि यार पहले 50,000 खर्च के पूरा चेकअप कर लो कि ये ठीक चलेगा नहीं चलेगा, ये क्या क्या चीज़ें कमी है पहले ही कर लो। इससे अच्छा आप 10 लाख लगाओ फिर देखो कि यार ये तो चला ही नहीं मेरा, फिर 10 लाख डूबे ना। इससे अच्छा पहले 50,000 रुपये दे के चेक कर लेते तो आपको पता चलता ना यार कितना चलने वाला कैसे चलने वाला है। तो हम 50,000 को बचाने के चक्कर यार इसके 50,000 क्यों दे दें, समझ रहे बात, इसके 50,000 क्यों देने, छोड़ो कि सीधा 10 लाख लगा दो, यही तो होना है और क्या होना है। मतलब मैंने अनप्रोफेशनल से किसी दोस्त से, हाँ तूने किया था कैसा था, तूने किया था कैसा था, बस 2-3 लोगों से पूछा जो कि इस फील्ड के है ही नहीं है और लगा दिए पैसे 10 लाख। जो एक्सपर्ट है उससे नहीं पूछा, और फिर जब खराब हो जाता है ना कहते हैं यार काश मैंने उस एक्सपर्ट से पूछा होता। करेक्ट। तो मुझे एक बताओ कि सर भाई पंजाब एंजल्स नेटवर्क, मतलब अभी मैं इतनी जगह जा रहा हूँ और मुझे लोग, मतलब मुझे भी लोगों से पता लग रहा है, आप भी हमें मिले, पंजाब एंजल्स नेटवर्क में ऐसी क्या दमदार खास बात है, वन पॉइंटर जो औरों से बिल्कुल अलग करती है खुद को? देखो ऐसा है कि सबसे पहले बात तो दुनिया में हर कोई, आप मैं कोई भी काम कर रहा है ना, किसके लिए कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है जी, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है जी। अब आप प्रॉफिट के लिए जब काम कर रहे हो, ठप्पा लगता है एनजीओ का, ठप्पा लगता है कॉलेज का जो कि कहा जाता है कि है, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर भी लोग हैं वो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और सैलरी की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आप जाके चेक करोगे अगर इनकम टैक्स एक्ट से जी, सैलरी की डेफिनेशन कहाँ प्रूव होती है, वहाँ कहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जी। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप भी डिफाइन किया है, रिलेशनशिप ऑफ अ मास्टर एंड सर्वेंट जी। यानी जहाँ मास्टर जो कहेगा सर्वेंट करेगा, वही एक रिलेशनशिप है। तो कई बार क्या होता है जो सैलरीड के लिए एम्प्लॉय है वो इनिशिएटिव लेने में उतना ही ले पाते हैं जितना उनके बॉसेस कह रहे जी, है ना। अब बॉसेस जो हैं वो क्या हैं, वो अपने अपने बिजनेसेस में बिजी हैं, जो मर्जी नेटवर्क्स ले लो, नेम एनी वन, तो जो उसके पीछे कंट्रोलिंग हैंड है वो ही इज देयर फॉर प्रॉफिट मेकिंग, और वो उस नेटवर्क के साथ इसलिए जुड़ा है जी, इसलिए जुड़ा है ताकि वो उसका ये कह सके 10 लोगों पे जाके कि यार मैं इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ जी, राधन उसके लिए करने की बजाय, उसके लिए कुछ करने की बजाय वो जुड़ा हुआ है। जब मैंने देखा जितने भी चीजें, मैं भी बहुतों से कनेक्ट हुआ आया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। पंजाब इंश्योरेंस नेटवर्क भी 2016 में बनाया गया था जी, ठीक है 5 साल वो भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको सोचा कि नहीं यार इफ यू हैव टू ब्रिंग दैट इकोसिस्टम इन दिस रीजन, इसको सुधारना है पंजाब को, चंडीगढ़ इस रीजन को हमने आगे लेके जाना है, तो किसी ना किसी को मैदान में आना पड़ेगा। तो मैं अपनी सीए की प्रैक्टिस छोड़ के इसके अंदर आ गया हूँ फुल टाइम के लिए जी। अच्छा साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने आप स्टार्टअप से मिल रहे हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट टू नो कि वुमेन कितनी एंटरप्राइजिंग है, मतलब वॉट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स आर दे कमिंग अप विद। आई मीन आई नॉर्मली जब भी मैं किसी भी स्टार्टअप नेटवर्क मीट में जाता हूँ, हाल ही में जितने भी हम जाते हैं और खासकर नए 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 कंपनी से मिलते हैं, आई सी लॉट ऑफ वुमेन देयर नाउ, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स और व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज हैव दे कम अप विद, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत, आई मीन देर आर सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर वेरी टिपिकली देयर विद मैन, है ना, वेरी टिपिकल, लाइक हार्ड कोर आयरन एंड स्टील मैनुफैक्चरिंग हो गई, या बट वीमेन वॉट आर दे कमिंग, वॉट काइंड ऑफ आइडियाज आर दे कमिंग। सो देखो वैसे तो मे बी आप ये कह लो कि एवरी वन एज अ परस्पेक्टिव, है ना, तो मेरा ना, मेरा मतलब खुद का परस्पेक्टिव, मैं कभी ना डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता कि मैन है कि वुमेन है, मेरा एक्चुअली हम में से कोई भी नहीं करते, बट ये मतलब कई है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक या दो वुमेन को फाउंडर्स भी होती होती है, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसके बाद जब वो आइडिया लेके आते हैं, चीज़ें लेके आते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन पता नहीं कभी मेरा नहीं रहा, मैं हमेशा मतलब इक्वलिटी इन अ सेंस आई बिलीव कि कोई डिफरेंशिएट ही नहीं है, जो अल्टीमेटली आ रहा है जैसा आ रहा है वो आइडिया को सोचना, उस प्रोडक्ट को सोचो कि वो क्या है, ये नहीं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्योंकि तुम इसमें नहीं हो, ऐसा नहीं है। आज की डेट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल,
है ना ना, मेरे ख्याल से हमें डिस्कशन कहते हैं ना, जब जिस चीज़ का डाउट हो ना हम उसे क्वेश्चन करते हैं। अल्टीमेटली हम डाउट क्यों है कि वुमेन का की है कि नहीं है, वी जैसे कि स्टार्टअप या आइडिया या ये कैसा है, कल्चर की बात है, इकोसिस्टम की बात है। इकोसिस्टम इज प्रमोटिंग बोथ। सो बेसिकली मेरा सॉरी आई विल रीफ्रेज द क्वेश्चन देन, क्योंकि हम तो इक्वालिटी पे ही चलते हैं, बट आई फील सम पीपल मार्केट शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, she's a, I mean this is a women entrepreneur company, you know the way of marketing that company changes altogether when it is used as a strategy. हाँ, so okay that way you can say वो strategy, देखो again वो strategy ऐसा है ना, again जो चीज़ missing दुनिया को लगती है। For example सबके mind में है कि यार ये ना businessman ही, जो बिजनेसमैन होता है वो मेल ही होता है, मेल डोमिनेटेड होता है या मेल चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक वुमेन को ले आओ तो इमोशनल गेम प्ले कर लो आप, फॉर एग्जांपल मे बी, है ना, जो आपके क्वेश्चन से लग रहा है। मुझे नहीं पता, मतलब आई हैव नॉट सीन दैट वे, बट देयर आर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, वुमेन स्पेशली अलग से मैंने देखे हैं, मतलब ऑनलाइन आप देखो कि ऑनरिंग द वुमेन इन स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे करके अलग से, मतलब व्हाई आर यू ऑनरिंग अ वेरी जेंडर स्पेसिफिक ऑनरिंग क्या होती है? अच्छा, इन दैट वे इट इज गुड, है ना, आई बिलीव व्हाई इट इज गुड, आई बिलीव। देखो इफ मे बी जिन जो अब हमारा लाइफ स्टाइल, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू एन एग्जांपल, इज इट अ वे ऑफ एनकरेजमेंट, आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ अ मे बी सम ऑफ द, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड वाज फ्रॉम सम कैटेगरी, हां जी, ओके, आई एम टेकिंग अ रियल एग्जांपल, यू नो ही डिड अ सीए, ही एट अ गुड पोजीशन थिंग्स एंड ऑल, पर स्टिल ही एज़ अ फियर कि यार लोग मेरे को ना कैटेगरी का समझते हैं और मैं वो नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं फियर है उसके। मैं उसको कहता हूँ क्यों, व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट, मे बी वो जहाँ ऑफिस में तो ये उस कल्चर में तो एक है जी, लेकिन जब वो घर जाता है ना, घर में उसको वही कल्चर मिलता है, घर में उसको वही सुनने को मिलता है, या जिस कम्युनिटी में जाता है कई बार, है ना, तो ये अवार्ड देना उस कम्युनिटी के लिए एग्जाम्पल होता है कि नहीं यार तुम्हारी सोच को चेंज करो, है ना। तो सेम विद कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को, मुझे जो लगता है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, जो मेरा पर्सपेक्टिव उससे लग रहा है कि वुमेन को और दिन से एटलीस्ट जब वो घर जा रहे हैं जिस कम्युनिटी में जाने को लगे, नहीं यार वुमेन भी कर सकती हैं ये, exactly. तो so, जो उनकी सोच है, एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, एब्सोल्युटली। सो यही मैं एक्चुअली समझना चाह रहा था कि ये मतलब हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए, मैं अगर क्लियरली करूँ तो the audience is already watching, we have made a film called Admitted where we have already spoken about transgender rights at a very large scale level, and humne women rights, old age citizens, humne har strata of log, har sect of human population here in India, humne unke upar filmein banayi hain, theek hai, even children who don't have parents, we have worked on them. So I feel ki world has to be a very equal place, and you can't define brain or an idea with a gender. Badi clearly. Dam hai to sab mein hai. Dam idea mein hai. Dam kam padhai mein. Ab main agar saaf, Sahil ji, main agar aap se kahun ki main zyadatar agar education sector ki baat karun to wo heavily women dominated hai. You look at school principals. You look at all the teachers heavily. Agar main major सेट ऑफ करूँगी स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो मैं जब स्कूल में था तो मेरे टाइम में इफ आई वॉज स्टडिंग सिक्स सब्जेक्ट्स इन अ क्लास, तो शायद एक मेल टीचर होते होंगे कि मुझे क्लास फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में पढ़ाने वाले, बाकी हिंदी, इंग्लिश के टीचर, साइंस के टीचर, ज्योग्राफी, बॉटनी, सारा कुछ पढ़ाने के लिए सब लेडी, मतलब विमेन ही थे, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव ग्रोन अप की लर्निंग फ्रॉम देम। सो देखो इसमें भी थोड़ा सा मे बी मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मे बी राइट और रॉन्ग जी, प्रैक्टिकली देखो अगेन वो वुमेन डोमिनेटिंग क्यों बन गया अगेन फ्रॉम अवर कल्चर, कैसे यार वुमेन जो होती है ना, मतलब जो एक फैमिली थॉट में हम सुनते आ रहे हैं या देखा है या कई बार बोलते हैं, उसको बोलते हैं यार तू ना टीचर बन जा, क्यों यार 2 बजे तक फ्री हो जाएगी, बाद में बच्चों को घर में देखने के लिए पूरा टाइम होगा, है ना, ये बोला जाता है, मतलब ताकि यार तू टीचर बन जाओ ना, कि तू, हम कई बार देखते हैं कि टीचर आर नॉट पैशनेट अबाउट टीचिंग, दे जस्ट पैशनेट कि ठीक है यार 6 घंटे की या 8 घंटे की, पर आज क्या बताऊं, मतलब आई हैव माय फैमिली मेंबर्स इन टू टीचिंग है, मतलब टीचर भी 5-5, 6-6 बजे घर जाते हैं, हनी आई नो बिकॉज, है ना, ये पुराने टाइम पे था जब टीचर 1-2 बजे घर चले आता था, वो फैमिली को देखता था या चीज़ें देखते थे, है ना, तभी देखो किसी टाइम पे ये होता था, मैंने अपने, मतलब अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, खोलते थे यार बैंक में लग जाओ
या बैंक के 2 बजे बंद हो जाता, मतलब 2 बजे कैश काउंटर क्लोज हो जाता था, 4 बजे है ना, 4 बजे तो बैंक में फोन कर लो, 9 बजे तक बैठे हुए लोग अब 9, और गवर्नमेंट बैंक से सब में, तो आज के डेट में कोई नहीं कहता कि बैंक में कर लो, क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता था ये प्रिविलेज है ना कि यार 4 बजे घर आ जाओ, है ना, 4 बजे घर आ जाओ, ये चीज़ें कर लो तो फैमिली को टाइम दे लो एंड ऑल। तो वुमेन को कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में या कल्चर्स में यही होता है कि उसको फैमिली देखनी है आके, तो कहीं ना कहीं वो प्रेफर करते हैं कि यार टीचिंग लाइन मिल जाए ना, तो है, बट मैं कहूँगा इसलिए उनको वैसा नहीं आना चाहिए, जो पैशनेट है ना टीचिंग में, उनको ही आना चाहिए, नहीं तो आप ना फ्यूचर से खेल रहे हो, बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हो। द अदर डे वी वर हैविंग वन डिस्कशन विद ऑल स्कूल्स एंड आप इस इवेंट में आए थे ना, उसमें मतलब वो वहाँ पे क्या था, दे वर टॉकिंग अबाउट सम इंस्टीट्यूट्स की प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैज कम अप और प्राइवेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैव थिंग्स हैव कम अप, है ना, यू नो, बट वो पॉइंट ये है कि स्कूल में वो चीज नहीं मिलती तभी तो वो बाहर जा रहा है, है ना, स्कूल के अंदर उसको सिस्टम। तो ये स्टार्टअप्स की खास बात यही है, मतलब किसी के लिए भी अगर सिस्टम कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है सिटीजन्स को, वही एक स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी। ये उस दिन यही बात हुई ना, कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है और उसी को सॉल्व आपने कर दिया और वही चीज़ इनसे मंथ्स और ईयर्स लाखों लोगों तक चली जाती हैं एंड पीपल वांट दैट सर्विस। तो वही एक स्टार्टअप की वही एक प्रॉब्लम है जो एक स्टार्टअप फुलफिल कर पाता है और वही फिर बिजनेस मॉडल बन जाता है। पंजाब एंजल्स नेटवर्क में मतलब जितने भी स्टार्टअप्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जितने भी आपके रेडार में आए हैं, उनकी सिलेक्शन में या उनको अपने साथ जोड़ने में आप किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है और किस तरीके के स्टार्टअप्स को आप चाह रहे हैं कि अब आप नेटवर्क में जुड़े आपके? ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस फील्ड का स्टार्टअप हुआ, मान लो इफ समबडी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है ना, जिसमें टेक्नोलॉजी का मेजर रोल प्ले होना है जी, तो हम पहले क्या करते हैं उसको, पहले तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी मैं देखता हूँ उसको कि क्या 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 एक सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं एटलीस्ट जो होने चाहिए, नहीं हो तो उनको बताता हूँ कि ये एस्पेक्ट्स भी कवर करके लाओ, वो एस्पेक्ट्स को कवर करके लाते हैं, फिर मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ अ इंडिया या उसको मैं उससे कनेक्ट कराता हूँ वर्चुअल कॉल, वो उनको प्रेजेंट करता है कि यार टेक्नोलॉजी में हम ये जा रहे हैं, वेदर दिस इज पॉसिबल, हम नई सोच ला रहे हैं, तो वो उनको गाइड करते हैं कि हाँ दिस इज पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है, ये इनके अंदर ये 5 चीजें तुम कर लो तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड थिंग, तो फिर वो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है उसमें करते हैं, फिर मैं उसको मार्केटिंग वाले से मीटिंग कराता हूँ, क्या ये इसको मैं मार्केट कर सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ राइट कि यार ये बिकेगा, है ना, कि कैसे बिकेगा, है ना, देखो कई ना अब मार्केटिंग वाले कई मार्केट में ऐसे बैठे हैं विच इज मोस्टली सम टाइम ऑफ अ प्रॉफिट ऑल्सो, मतलब इन अ सेंस वो कहते हैं आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना, 5 लाख लगाओ मार्केट करो, जब आप 10 लोग 50 लोगों को मार्केट करोगे ना, जो फनल टीम ये सिस्टम्स हैं कि 1 लाख लोगों को टारगेट करो, उसमें से 1,000 टिक करेंगे क्लिक करेंगे, 1,000 में से 100 ले लेंगे, 100 को तुमने 10,000 का बेचा, तुम्हारा प्रॉफिट निकल गया, चलो आके, वो नहीं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, दिस इज नॉट अ शॉर्ट मनी, यू हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट कि अगर मैं मार्केट कर रहा हूँ मार्केटिंग के और ब्रांडिंग के अंदर, सिर्फ एक मार्केटिंग का तो ठीक है सेल्स हो गया एंड मार्केटिंग हो गया, लेकिन ब्रांडिंग के अंदर आफ्टर सेल्स सर्विस कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे उसको यूज़ करोगे, नहीं चलेगा तो क्या उसको फीडबैक दोगे, कहाँ जाएगा, कौन देख रहा है, बहुत सारे चीज़ें एस्पेक्ट्स कवर होती हैं, तो उसको उसके बारे में उसको कनेक्ट किया जाता है कि क्या ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें कवर हो जाएगा या इसने सोच लिया उसके बारे में, क्योंकि सोचना जरूरी है पहले, ताकि आप सोचोगे तो पता चलेगा ना यार ये चीज़ें मेरे को करनी है, है ना, करेक्ट, तो वो सोचेगा तो फिर उसको हम उस एंगल तक लेके आएंगे, तो उस हिसाब से हम ये जो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड देन मार्केटिंग, फाइनेंस ऑब्वियसली आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑलरेडी, तो वो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो मैं देख ही लेता हूँ कि हाउ इट विल बी अ प्रॉफिट, हर बिजनेस की जो जड़ है वो अल्टीमेटली फाइनेंस है, सो फाइनेंस इज इट इज ऑलवेज सेड इन एनी बुक इट्स अ ब्लड ऑफ योर बॉडी, ब्लड ऑफ योर बॉडी, अगर बॉडी में ब्लड नहीं चल रहा ना और हमारे ब्लड में कॉफी है। अच्छा साहिल जी, हमारा जो नेटवर्क है पंजाब इंजीनियर्स नेटवर्क, ये बाकी हमारे जो आसपास में पूरे ट्राई सिटी पंजाब रीजन में चंडीगढ़ रीजन में जो बाकी के जो ऐसे स्टार्टअप नेटवर्क्स हैं वेरियस अलग अलग हैं, उनसे कैसे डिफरेंट? देखो एक तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखो अब और जितने भी प्लेटफॉर्म है ना कहीं वो भी सीधी बात करता है फंडिंग की, वो हैंड होल्डिंग की बात नहीं करता, वो कहता तुम कराओ जहाँ मर्जी से, ठीक लगेगा तो हम कर देंगे, जिस मर्जी से जाके सीख के आओ, ठीक है,
हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि अगर आइडिया वैलिडेशन से लेके हैंड होल्डिंग हर लेवल तक हैंड होल्डिंग करेंगे हम साथ में, उसको बताएंगे कैसे कैसे जाना है, कौन सी नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, अब किस स्टेज पे तुमको क्या करना है, और फिर फंडिंग पे जाएंगे। नहीं तो आप मुझे बताओ क्या बोला जाता है, 100 में से 1 को फंड मिलता है ये बोला जाता है या 2 को मिलता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑल ओवर वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू मेक इट एटलीस्ट 100 out of 50 out of 100। वो क्यों होगा, जब उसकी सारी चीजें क्लियर होंगी, यानी पिची वो कर रहे हैं जो अच्छा है, यानी जो एक लेवल पे पहुंच गए, एक अपने कंसेप्ट क्लियर है, मतलब अंडर पंजाब एंजल्स नेटवर्क आप सुपर 50 बनने वाले हैं, सुपर 50 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे बच्चे आईएएस क्लियर करते हैं ना, यूपीएससी और इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करते हैं, तो वो स्टेट आप अचीव करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी मिले, है ना। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में टैप्स कर रहा हूँ विद इंस्टीट्यूशन वैसे रादर देन इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल्स भी हैं ऑब्वियसली, इन्वेस्टमेंट करना उनको भी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है। अब बैंगलोर में जो एक इकोसिस्टम है, मान लो ये यूएस में एक इकोसिस्टम है ना, वो यहाँ पे नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, और लोगों को पता भी नहीं है। इट इज समटाइम्स सेड वी आर 15-20 इयर्स बिहाइंड फ्रॉम देम, है ना। रादर स्टार्टअप यहाँ पे ग्रो करता है पर जाता फिर वहीं पे ही है, कहता है यार यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, मुझे वहीं जाना पड़ता है, है ना। और होता ये कि यहाँ पे फॉलो नहीं करता, पता भी होता है ना, स्टार्टअप फॉलो नहीं करता क्योंकि यार यहाँ तो ऐसे, क्या हमारे यहाँ लोग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं या सब अडॉप्शन ही कर रहे हैं, कि बस एक रेफरेंस उठा लाते हैं कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा बन लेंगे, ऐसी मार्केटिंग कर लेंगे, इसका ये उठा लेंगे, देखो ऐसे ही रन कर रहे हैं। देखो 70% अगर मैं बोलूँ तो यही है कि वो दूसरे का ऐप देखते हैं, उसमें देखते हैं 2 चीज़ की कमी है, चलो हम ये 2 चीज़ की कमी को पूरा करके हम अपना, और वो एक अपडेट में वो अपना गैप वो भी कवर कर लेते हैं क्योंकि उनका तो रनिंग मॉडल है ही है, और उनके पैसा भी आज के डेट में फंडिंग भी है। आप जैसे जो आप चीज नहीं ले आए, आपको ये भी तो देखना है ना कि जनरली तभी एक प्रेजेंटेशन के अंदर ना एक पेज ये भी होता है कि आपका कंसेप्ट कॉम्पिटिटर आपका कितनी जल्दी कॉपी कर सकता है, ये भी सोचा करो कि जब आप कुछ लॉन्च करते हो तो कॉम्पिटिटर आप पे भी नजर रख के बैठा है। सर आपके तो पैसा है नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी 50 फीचर हैं और आपने 2 चीजें देखी कि इसके पास नहीं है, मैंने फटाफट अपडेट बनाना है, 52 कर देने, 55 कर देने, और कितना आसान है, मतलब क्योंकि अभी मेरे पास पूरी टेक्नोलॉजी टीम बैठी हुई है, सारा कुछ बैठा हुआ है, जल्दी स्केल करने में, एकदम जल्दी स्केल करने में और थोड़ा सा धीरे धीरे स्केल करने में क्या फर्क रहता है? सर धीरे धीरे जल्दी कुछ नहीं है, देखो अल्टीमेटली कस्टमर्स है, आपको आज की डेट में कहते हैं लाइक्स हैं, व्यूज हैं, है ना, कि लाइक्स हैं व्यूज हैं तो इसका मतलब है लोग आ रहे हैं। और फिर अभी देखो, जब पहले हम वर्ड नहीं सुनते थे ऑर्गेनिक, आज की डेट में आ गया ऑर्गेनिक लाइक्स, है ना, क्योंकि लोगों ने उसका भी बिजनेस बना दिया था। बताओ देखा, ये हम कहते हैं ना हमारे ऑर्गेनिक व्यूज हैं, ऑर्गेनिक लाइक्स हैं, तो आप कोई भी रोलिंग फ्रेम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखें तो कभी भी हम बॉस नहीं कर रहे हैं, आई एम सेइंग इट ओपनली ऑन कैमरा कि भाई हमें तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, हमें जो लोग देख रहे हैं वो आप जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे सारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं, और हमारे सारे प्रोग्राम्स और सारा कुछ एग्जैक्टली हमारे लॉयल मे बी फॉर अ ब्रांड मे बी देयर कस्टमर्स एज अ चैनल वी विल स्पीक अबाउट व्यूअरशिप। तो जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, उनके हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं कि वो किस टाइम देखते हैं, क्या एज ग्रुप देखता है, नेचुरली ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आती हैं ऑफिस से हमें, तो हम उस हिसाब से अपने प्रोग्राम्स बनाते जा रहे हैं कि नेक्स्ट या हमारे पास किस डोमेन के मैक्सिमम व्यूअर्स आए हैं और क्या डोमेन नहीं आया अभी, तो हम क्या नया उनके लिए करें, ये कॉन्स्टेंटली हमारे लिए भी रहता है, बिकॉज मेकिंग प्रोग्राम्स मेकिंग फिल्म्स अगेन इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि आप क्या नया करो एवरी वीक, क्योंकि यहाँ तो चलो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया बट आप हर वीक नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते, बट प्रोग्राम आपको आप सेम भी नहीं बार बार लॉन्च कर सकते, तो इस केस में हर बार आपको एक न्यू चीज पुश करनी पड़ती है। सो देयर इज अ सेइंग कॉल्ड ना, ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, यू नो व्हाट, एंड दैट इज चेंज, है ना। तो मतलब और जो उस चेंज के साथ चल जाता है ना वो चलता रहता है, जो चेंज के साथ मतलब होता क्या है, मतलब प्रैक्टिकली अगर वो अगेन स्टार्टअप ये सब चीजें जिसको थोड़े से ही पैसे मिलते हैं ना, पहली फंडिंग मिल गई वो कहता है बस मैं तो चले गया, ये नहीं पता वो पंजाबी में कहते हैं ना वो चौड़ा होता है, फैल जाता है, फैल जाता है। उस दिन हुआ नहीं मीटिंग में कि मेरे को इतने की फंडिंग मिल गई है, तो वो दूसरे सज्जन बैठे थे, आपने इसका किया क्या, किया क्या, मतलब दैट इज द क्वेश्चन। एंड आई वाज लाइक सिटिंग देयर ऑन द टेबल एंड ऑफ कोर्स वी मेरे सामने वो फूड एंड ड्रिंक्स वगैरह लग रही थी, मैं भी आराम से बैठा, देन जेंटलमैन वॉकड अप टू मी एंड सेड कि मेरे पास ना पाजी मेरे पास इतने की फंडिंग आ गई है, ये हो गया वो हो गया, और फिर भी मेरे मन में उसको कहने का मन किया तेरे को बैठने की और बात करने की अकल भी नहीं है, मैं कैमरा पे बोल देता हूँ,
मतलब बहुत डिफरेंस फील होता है कि हाउ एंड यू नो आपके आप एक रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब आप फाउंडर स्टेज में है ना तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशंस, द वेल बींग ऑफ योर टीम फर्स्ट, बिकॉज ऑफ देम यू आर गेटिंग कस्टमर्स. लोग कभी कभार बहुत कस्टमर सेंट्रिक हो जाते हैं सर जी, और मैंने देखा आप अपनी टीम पे प्रेशर बना देते हैं. ये भी हुआ है तो है. देखो प्रेशर अल्टीमेटली हमें ना अवेयरनेस, मैं हमेशा कहता हूँ वी नीड टू बी अपडेटेड. मतलब मैंने जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम किया था ना, मैं आपको उसका बताता हूँ. उस सिविल सर्विसेज की वन लाइन डेफिनेशन पता क्या है? क्या जो समझिए समझिए, नोइंग एवरीथिंग अराउंड यू. और उसको जानने के लिए वॉट इज इम्पोर्टेंट है? न्यूज़पेपर. यानी न्यूज़पेपर के अंदर जो आसपास आपके हो रहा है वो उसी में आ रहा है. तो अगर आप अवेयर हो आपके न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर तो हो गया दुनिया का. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, कि जो स्टार्टअप के अंदर जो आसपास चल रहा है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत. मुझे कोई यूएसए वो जान, वहाँ से हमें सीखना है, लेकिन बस अवेयर रखो कि मेरे जो प्रोडक्ट के आसपास कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं. उतने की अवेयरनेस भी आपने रख ली ना तो उसको सीख लिया कर लिया. अगेन मैं बोलूँगा, फर्स्ट जोन सा था सर्च इंजन वॉज नॉट गूगल, फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज नॉट माइक्रोसॉफ्ट, है ना. क्या था वो आप हमें कमेंट करके बताएं. वो आप कमेंट करें और हमें बताएं कि पहला सर्च इंजन कौन सा था. देखिए आई एम वेरी अपोलोजेटिक, आई डिड कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है, बट इट इमीजिएटली राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम मेरे दिमाग से निकल गया क्या था क्या था. बट वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इमरजेंस ऑफ कंप्यूटर्स, आई बी एम एरा से लेके एम एस डॉस एरा से लेके हम आगे जब एरा तक बढ़े, मैकिंटोश इंट्रोड्यूस हुए, तो वी नो द हिस्ट्री ऑफ दैट. बट एग्जैक्टली अब मैं भी भूल गया हूँ कि वो तो आर्पानेट क्या था. इंटरनेट से पहले आर्पानेट क्या था वो चल रहा था, मतलब आप भी बता. मैं तो फाइनेंस लाइन में, फाइनेंस लाइन में, तो इन्होंने मेरे पे भी एक एक सिक्का उछाल दी है. वो तो था नहीं, ये तो था नहीं, अब आप बता दो. सो आई नो. अच्छा आपको पता है कि अब देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी अगेन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून? वो लोग नील आर्मस्ट्रांग बोलते हैं. हाँ तो बट आपको पता है रखना किसने था पैर? नहीं रखना किसने था? एल्ड्रिन. एल्ड्रिन ने. अच्छा ठीक है, वो कहाँ थे? पीछे खड़े थे वो. पीछे मतलब आप ही देखो, यू नो द स्टोरी, मतलब आई हैव हर्ड द स्टोरी. मैंने आंसर सही दिया वो पीछे. नहीं मैंने आंसर कर दिया. अब टेक्निकल और हम साइड वाले की बात कर रहे हैं ना. नहीं नहीं, पर मिस्टर एल्ड्रिन वाज द टेक्निकल पर्सन हु हैज टू एक्चुअली सेंड टू स्टेप फर्स्ट स्टेप ऑन मून. तो फिर नील आर्मस्ट्रांग का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग भेजे गए थे, क्योंकि ही वाज अ वेरी बोल्ड एंड ही वॉज फ्रॉम नेवी, ही वॉज नॉट फ्रॉम टेक्नोलॉजी दिस एंड ऑल. क्योंकि उसने डिसीजन अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे धड़क लिए थे तो उन्होंने किया. तो आपको पता है हुआ क्या? जवाब सही था, पहले ये बताओ. जवाब सही था. आप सुनो पूरी, जवाब को तो खत्म कर रहा हूँ मैं. बोला गया नीचे से अनाउंसमेंट आई, मिस्टर एल्ड्रिन स्टेप योर फर्स्ट ऑन मून. वो डर गए यार, रखूँ कि ना रखूँ मैं. फिर दूसरे को दोबारा बोला रखो, नहीं रखा. फिर आया नील आर्मस्ट्रांग, यू स्टेप ऑन मून. वो फटाफट से उसने छलांग मार के रख दिया. और एक सेकेंड के डिसीजन मेकिंग ने उनका नाम पूरी दुनिया जानती, उनका कोई भी नहीं जानता. और टेक्निकल वो थे जिसने रखना था, जिसने सारा प्रोग्राम डिजाइन किया था, जिसने सब चीजें की थी, तो है ना. So, चलो मैंने जो पढ़ा एटलीस्ट मुझे ये तो याद है. हम बच गई, मेरी इज्जत बच गई. तो मैं अल्टीमेटली पॉइंट यहाँ पे क्या रहा है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन सर. राइट, एब्सोल्युटली. आपने राइट टाइम पे किसको चूज कर लिया? आपने मुझे चूज कर लिया, आपने इनको कर लिया, डॉक्टर को चूज कर लिया, किसके पास जाना है. तो लाइफ में जितना जरूरी आइडिया है उतना ही जरूरी साहिल जी कहने के टाइमिंग भी है. जैसे हम कहते हैं फिल्म को रिलीज करने की टाइमिंग, क्यों बड़ी फिल्में ईद दिवाली छुट्टियों पे मेजर त्योहारों पे आती है? क्योंकि उससे माहौल होता है, माहौल होता है. पीपल आर देयर टू स्पेंड, पीपल क्रेव एंटरटेनमेंट, पीपल क्रेव. अब जैसे ही सब चीज़ें बंद हुई, लोगों ने इंटरनेट देखना शुरू किया, तो सारी फिल्में वहाँ आनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग घर बैठे बोर हो रहे थे, बिंज वॉच कर रहे थे. मैं कर लोगों ने सब देख डाला, हमने भी पांच फिल्में रिलीज की. तो हवा इतनी पिक्चरें भी तो एक प्रोड्यूसर के पास होनी चाहिए ना, कि वो रोज देता रहे. अब अनफॉर्चुनेटली रोज नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली अच्छी माइलस्टोन डेट्स को तय किया जाता है. टाइमिंग की बहुत खास बात है सर. वन गुड पीस ऑफ एडवाइस, पहले तो लोग पंजाब एंजल्स नेटवर्क के साथ कैसे जुड़ सकते हैं?
सो दो देखो वैसे ये 2016 का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैंने अभी लास्ट 6 months पहले इसको होल्ड कर दी थी सारी चीज़ें जी, क्योंकि वी आर रिवाइविंग जी। तो मेरे को है कि वो यकीन जो मैं सबको कह रहा हूँ, हम भी कहते हैं कि ट्रेन मैदान में जाने से पहले ना अच्छे से ट्रेन कर लो, अच्छे से रिसर्च कर लो, अच्छे से चीज़ें कर लो। तो वी आर रिवैम्पिंग ऑल थिंग्स एंड ऑल जस्ट टू क्रिएट एन इको सिस्टम। वी आर हैविंग मोर पीपल ऑन बोर्ड, मोर क्वालिटेटिव पीपल, नॉट क्वान्टिटी पीपल। क्वान्टिटी तो अब हम कई नेटवर्क्स की वेबसाइट में जाएँ, 200 का फोटो लगी है इन्वेस्टर है, पर रियल इन्वेस्टर उन्होंने कितनी किए ये बताओ ना, है ना। सो यू वांट टू कीप क्वालिटी। इफ समबडी सेज ओके मेरा नाम डाल दो, नो, इफ यू आर कमिंग रियली यू हैव टू कंपल्सरी इन्वेस्ट इट। इट इज नॉट कि यू आर जस्ट कमिंग फॉर नेम कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, मैं भी इसका पार्ट हूँ। मतलब पीपल आर जस्ट कमिंग ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फेम, नॉट फॉर डूइंग एक्चुअल थिंग कि मैं 5 जगहों का मैं ये हूँ, मैं 6 ले हूँ। तो मैंने उसको सारी चीज़ें वो क्लियर कट कर रहा हूँ, जो चीज़ें टाइम पास थे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कह लो, या जो चीज़ें एक्टिव नहीं थे, टाइम पास नहीं कहूँगा मैं, जो लोग एक्टिव नहीं थे मे बी वो अपनी लाइफ में अपनी उसमें बिजी थे, हम वो एक्टिव को मैंने कहा कि ठीक है देन यू कैन टेक अ रेस्ट, वील ब्रिंग एक्टिव पीपल ऑन बोर्ड। सो वी आर ब्रिंगिंग एक्टिव पीपल सो दैट हमारे साथ सिर्फ एक्टिव है। तो बाय नेक्स्ट मंथ वील बी री लॉन्चिंग, सो वील बी री लॉन्चिंग शॉर्टली, ठीक है ना। सो वील बी री लॉन्चिंग शॉर्टली, तो उसके अंदर क्या है कि मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ हाउ इन्वेस्टमेंट्स विल हैपन, हाउ स्टार्टअप्स विल गेट थिंग्स एंड ऑल, हाउ दे विल गेट द हैंड होल्डिंग, हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू एन इनक्यूबेशन सेंटर, वो सब चीजें डिटेल्स आएंगे। सो वी आर ओपन फॉर इट नाउ, बट मतलब साइड बाय साइड वी आर डूइंग, बट हाउ कैन स्टार्टअप्स एक्सेस यू, मतलब स्टार्टअप्स आपको कैसे, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ आप कमेंट्स में लिख दो इफ यू आर अ स्टार्टअप एंड यू आर एन एस्पायरिंग स्टार्टअप और यू आर अ स्टार्टअप इन ट्रबल राइट नाउ एट एनी स्टेज आप कभी भी हैं एंड यू आर अ स्टार्टअप फ्रॉम द पंजाब रीजन, आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया से, बाय देखो डोंट स्टिक टू द नेम, हम मतलब हम नहीं, पंजाब एंजल्स नेटवर्क के मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मोहाली राइट नाउ, हेंस इट इज़ पंजाब एंजल्स नेटवर्क। बट अगर आप एक स्टार्टअप हैं जो कि पंजाब एंजल्स नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप नेचुरली आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और सहेल जी वरना इज देयर एनी वे दे कैन कॉन्टैक्ट यू और पंजाब एंजल्स नेटवर्क डॉट कॉम, परफेक्ट, पंजाब एंजल्स नेटवर्क डॉट कॉम पे आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट करें, आप अपना क्वेरी वगैरह डालें। सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू, मतलब मे बी दे आई एम ओपन फॉर एवरीवेयर, दे कैन आई कैन मतलब मेंशन, यू कैन मेंशन माय ईमेल आईडी एंड माय फोन नंबर, दे कैन कॉल मी और मैसेज। बस वेबसाइट आई थिंक इज द बेस्ट थिंग, ताकि उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एंड इफ इट चेंजेस, तो मैं अभी नंबर बोल के उसको वो नहीं करना चाहता बिकॉज जो वेबसाइट पे मेंशन है लेट स्टार्टअप्स हैं, अब आई थिंक दे नो टू हाउ टू अप्लाई एंड डू दैट, और नहीं भी हैं तो भी आप एक क्वेरी ड्रॉप करें। साहिल जी हैं, इनकी पूरी टीम है, इनके पूरा एक ग्रुप है, पूरा बोर्ड है। सो जिस तरीके से आपका स्टार्टअप है आप अप्लाई करेंगे, उस तरीके से आपके साथ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और आपको प्रॉपर एक वे में आपको इंक्लूड किया जाए, इंडक्ट किया जाए, जो भी बोलें, बट एटलीस्ट आप इनके संपर्क में आए, ताकि आप जो भी इनकी सर्विसेज हैं, सेवाएँ हैं, जो भी इनका पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपको ऑफर किया जा सके। और हमारे व्यूअर्स के लिए, सो आप वो पूछे थे वन पीस ऑफ एडवाइस है व्यूअर्स के लिए, सो देयर इज अ सेइंग, मतलब आप इसको लाइन को खत्म करना या मैं एक बार पूछते हैं, कहते हैं व्हाट इज एजुकेशन्स पर्पस, बताओ। सो एजुकेशन्स पर्पस इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड। अगर आप इस लाइन को खत्म करो तो क्या है, लोग क्या बोलते हैं, जैसे टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन फिल्ड माइंड। आप स्कूल में चले जाओ, ये पढ़ लो, ये रट्टा लगा लो, तो एम्प्टी खाली दिमाग यानी बचपन पैदा हुआ उसमें भर रहे, भर दिया, पर नहीं एक्चुअली। सो एजुकेशन जो पर्पस इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन माइंड। ये पढ़ाई का मकसद पता क्या, देखो जब हम नए दुनिया में नई चीज़ें सीखते हैं ना, हमें लगता है शायद ये भी ऐसा है, ख्याली दुनिया में होते हैं हम, पर स्कूल सिखाते हैं कि नहीं यार, इतना तो सोच चुके हैं हम, इतनी तो रिसर्च हो चुकी है, अब तुम इसके आगे का सोचो, करेक्ट है ना, हम उसी सोच में फंसे रह जाते हैं। तो हमारा ना ये ओपननेस में आओ कि ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता है, ये ना सोचो कि मैं तो सब चीज़ें कर ली, मैं तो सब परफेक्ट हो गया, मेरे को तो 5 लोगों ने बोल दिया, मेरे को तो 10 लोगों ने बोल दिया कि तू बड़ा अच्छा है। सो यू हैव टू ओपन योर माइंड, एवरी डे थिंग्स चेंजेस, एवरी डे न्यू अपॉर्चुनिटीज कम्स इन, है ना। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट और अपना माइंड ओपन रखो, बस सिंपल सी यही कहूँगा मैं। ओपननेस ऑफ योर माइंड मीन्स कि थॉट्स को रिजिड नहीं करना, एंड यू हैव टू समटाइम अनलर्न टू लर्न, है ना।
मतलब ये मत सोचो कि जो मैंने सीखा था वो रिजिड है, वो हो सकता है। अब मैं खुद कहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हमने अर्ली 2000s में सीखी थी या 2010 के अराउंड जो थी, आज उससे बहुत डिफरेंट है। बिकॉज एट दैट टाइम सर देर वॉज नो व्हाट्सएप, देर वॉज नो इंस्टाग्राम, ये नहीं था वो नहीं था। अब कुछ घंटे फेसबुक बंद हो जाता है, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, लोग हाय मचाने शुरू कर देते हैं। और किसी ने मुझे कहा कि यार व्हाट्सएप वगैरह बंद था, तू कैसे था? मैं कहा मैं चिल कर रहा था नेचुरली, क्योंकि मैंने डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, अगर आपका बहुत बिजनेस है उस पर रन कर रहा है बिल्कुल कट टू कट, मिनट टू मिनट आपको उस पर काम चल रहा है, तो देन आपको तो चार घंटे का हॉल्ट लग गया। पर अगर आपके सिस्टम्स अदरवाइज इंडिपेंडेंट हैं, वेल वेल प्लेस्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो मुझे लगता है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत उमदा बातें की सैल जी ने, मैं दोहरा देता हूँ, तो एजुकेशन इज़ नॉट देयर टू फिल एन एम्प्टी माइंड, इट इज़ देयर टू ओपन एन एम्प्टी माइंड। दूसरी चीज़, यू शुड बी रेडी टू अनलर्न द लर्नड एंड टू लर्न द अनलर्नड, सो यू हैव टू अनलर्न टू लर्न न्यू थिंग्स। मतलब स्टिक ना रखें, ठीक है मैंने जो 10-15 साल पहले पढ़ा था ज़रूरी नहीं, मतलब देखिए इतिहास पढ़ा है तो वो तो वही रहने वाला है, बट कोई टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो मैं तो उसी स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, मैं तो उसी स्कूल ऑफ वो का आदमी हूँ। तो अगर आपने आज के युग में काम करना है और आज माइंडेड आप प्रेजेंट डे, अगर आप कोई भी स्टार्टअप हैं, उद्योग हैं जिस तरीके से हम कहते हैं, तो आप फ्यूचर कस्टमर बिल्डिंग कर रहे हैं, आप प्रेजेंट बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आज आपकी टेक्नोलॉजी, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के साथ जुड़ रहा है वो आपका फ्यूचर कस्टमर है। क्या आप नहीं चाहते वो वापस आए? वो वापस तभी आएगा जब आप टाइम्स के साथ कीप अप। आप देखें ना, फ़ोन चेंज हो रहे हैं, अगर वही डायलर फ़ोन आज चलाएं तो कहेंगे ए ये कौन यूज़ करेगा, है ना। वो एडवांस किए, टीवी एडवांस किए, इलेक्ट्रॉनिक एडवांस किए, कैमराज एडवांस किए, एवरीथिंग एडवांस, फिल्में आप देखो एडवांस कर गए। अरे टीवी वीसीआर सीडियां बंद हो गई, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, ओटीटी आ गया, क्या आ गया, देखो एडवांसमेंट होती गई, अब देखो क्या आता है आगे जाके। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, आई थिंक मेरा एक है। और एंटरप्रेन्योर तो मैं तो कह रहा हूँ शोरवीर होता है उसको रिस्क नहीं पता होना चाहिए, उसको कवच हो ना हो उसको लीड करना आना चाहिए। अगर आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं तो आप टिक जाएंगे जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। रिस्क टेकर एंड ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू बी एम्पथेटिक, यू नीड टू हैव रिसर्च, मतलब वेल लर्नड। आप अपना प्रिपेयर होकर चलोगे तो आपकी रुकावटें कम आएंगी, और अगर आई तो आप में क्षमता होगी कि आप उन रुकावटों को ओवरकम कर पाएंगे। और अकेले तो जिंदगी नहीं काटी जा सकती बाबू, मैं तो ये कहता हूँ। अब वही चीज, मतलब टीम है उसके लिए, बहुत नेटवर्क है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब स्टार्टअप जंग तो इन चीजों को वो सोचते हैं। आप कोई भी बड़े स्टार्टअप को देख लीजिए, आप कोई भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, आप मुझे बता दीजिए वो वन मैन शो है। आप बताइए वो एक अकेला है, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, आज भी लगे हुए हैं। आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को उठा लीजिए, एजुकेशन में अगर आप हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम इंडियन इकोसिस्टम को पढ़ें, क्योंकि जिस देश में आप काम कर रहे हैं, मतलब ये साहिल भाई मेरे को बड़ा फील होता है कि हमें फॉरेन केस स्टडीज़ पढ़ाते हैं एजुकेशन में, इंडियन केस स्टडीज़ नहीं पढ़ाते, मतलब बुक्स में, या शायद मैंने नहीं पढ़ी, पर हम जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या आप इंटरनेट से रिसोर्सेज हम एक्सेस कर रहे हैं, तो जिस देश में, जिस शहर में, जिस मतलब स्टेट में आप हैं, आपको उनकी पॉलिसीज़ का पता, आपको लोकल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज़ द वर्ड जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है, देखो जो ऑडियंस, जो आपका कंज्यूमर तमिलनाडु में है वो आपका पंजाब में नहीं है, तो यू कॉन्ट ब्रिंग दैट सेम थिंग एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मॉडल आउट हेयर एंड यू से इट वर्क्स द सेम वे, इट विल नेवर वर्क द सेम वे, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लोकलाइज। तो वो ग्लोबल और लोकल का ग्लोकल वर्ड की मैरिज हो गई वर्ड की, और ग्लोकल वर्ड बन गया, सो यू कॉन्स्टेंटली हैव टू लोकलाइज। अब आप देखो ना कि फ़ोन में हमारे इतनी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस आ गई हैं, ताकि लोग चाह रहे हैं अब उस बारे में। सर एक मैं आपसे बड़ा एक अच्छा एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई भी स्टार्टअप या कोई भी ग्रुप ऑफ यंग या एट एनी एज ग्रुप, क्योंकि स्टार्टअप यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एट एनी एज नेचुरली, इफ़ यू कम फ्रॉम एन एक्सपीरियंस एंड यू नो समथिंग विल वर्क एंड यू स्टिल वांट टू टेक अ रिस्क एट दैट एज, ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, क्या आप कभी उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को असेस करते हैं कि क्या या नहीं इस आदमी में इंग्लिश बोलने का पोटेंशियल नहीं है, या ये इंग्लिश कम जानता है तो इसका काम नहीं चलेगा, या इसको हिंदी आती है या पंजाबी बोलने वाला है, क्या ये बहुत
बहुत मैटर करता है क्या ये? बिल्कुल, रादर मैं अपने जितने भी टीचिंग सेशंस लेता हूँ आई ऑलवेज यूज अ मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैं खुद कई बार कहता हूँ जो 100% इंग्लिश सेशंस होता है ना उसमें बंदा 15 मिनट ही फोकस कर सकता है, उसके बाद ना उसका फोकस चल जाता है। लेकिन अब मैं हम और आप जैसे बात कर रहे हैं इसके अंदर ना अब ये घंटों तक चलती रही तो हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम यही मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आप 100% इंग्लिश कर दो 15 मिनट से ऊपर ना आप अगर आपके एक एनालिसिस है ना वो एनालिसिस को देखना तो 15-20 मिनट के बाद ना सबने उसको चल छड़े और पहले 15-20 मिनट सबने देखी होगी वो करना बंद कर देंगे है ना। तो ये तो बीइंग इंडियन हमें सुनना ही अपनी लैंग्वेज पसंद है बिल्कुल है ना, हम अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना ही पसंद करते हैं है ना। तो वो तो कभी भी क्राइटेरिया ना रहा है ना कभी होता, मतलब अल्टीमेटली वेयर द इंग्लिश इज रिक्वायर्ड आई डोंट नो है ना। जरूर आपने वो बात की कि जब हम ओपननेस ऑफ माइंड ये चीजें और इन सब चीज में कई लोगों की जब जाते हैं तो रिजिडनेस होती है, अच्छा इंग्लिश बोलता है चाहे इंग्लिश में गाली भी दे रहा हो तो यार बड़ा सही है वो वो बट आई थिंक आप मिले आप बात करें आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, आप अपनी बात सही सुचारू ढंग से रख पा रहे हैं कह पा रहे हैं तो आप उसी फॉर्मेट में करें उसी तरीके से करें। हाँ कुछ शब्द हैं मेरी भी शब्दकोश में वोकैबुलरी में जो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे भी शायद नहीं बोलना होता क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा रहा है हमने सारी अपनी स्टडीज और वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में करी है उसी में आंसर शीटें भरी हैं उसी में किए हैं हमारा उसी में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बन रहे हैं उसी में हमारे एक्ट और लॉ लिखे हुए तो हम वो भी पढ़ समझ पाते हैं और हम अपने लोगों के साथ कैसे जुड़ पाते हैं कम्युनिकेट कर पाते हैं ये हमारे पे बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए तब कहता ना जितने यहाँ पे मैं एक बताता हूँ एक वर्ड मेरे को पता है एक हिंदी का मुझे उसकी मतलब आपके कमेंट्स में हम एंड में आंसर बताते हैं ठीक है। तो एक ना खाना जूठा होता है ना उसी खाने जूठा वर्ड है उसकी इंग्लिश क्या होती है खाना जो जूठा तो उस जूठे की इंग्लिश क्या होती है? हाँ वैसे झूठे की तो लायर होती है बट लेकिन खाना झूठा होता है तो वो कहते हैं द फूड व्हिच हैज बीन टेस्टेड नहीं वो तो पूरी लाइन बोल रहा है उसका एक वर्ड है। अच्छा? जितने भी इंग्लिश जानते हैं मैं भी बता दूंगा पर पहले लोग कमेंट करें देखें तभी मैं बोलता हूँ जो मुझे कहता है ना इंग्लिश इंग्लिश तो मैं उससे यही सवाल पूछता हूँ सबसे। अच्छा इसकी इंग्लिश बता दे आपने आपने अपना एक पत्ता रखा हुआ है पत्ता रेडी रखा हुआ है रेडी रखा हुआ है बताया इंग्लिश बहुत बोली ये रख ये क्या हाँ इसका क्या आप बताओ मुझे मतलब यू कैन से लेफ्ट ओवर ये वो नहीं उसकी एक पर्टिकुलर इंग्लिश है है ना उसका एक इंग्लिश का वर्ड डिफाइंड है मतलब मैं वही तो हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं आप देखें ना कोई भी बड़ा कोई भी स्टार्टअप या कोई भी उद्योग इस देश में बड़ा हुआ है कोई भी भाषा के दम पे नहीं हुआ वो बड़ा हुआ है लोगों के दम पे अपने सिस्टम्स के दम पे अपनी वैल्यूज के दम पे है ना अपने राइट नेटवर्क के दम पे अपने राइट मेंटर्स के दम पे अपने राइट बोर्ड मेंबर्स के दम पे तो खींचने में कहीं पे भी भाषा या जिसको लैंग्वेज है उसका जिक्र हुआ नहीं। हाँ ठीक है कम्युनिकेशन में जो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है या जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप करें इसमें कोई रिजिडिटी मुझे नहीं लगता किसी स्टार्टअप को क्योंकि अगर बहुत कोई स्टार्टअप्स रूरल एरिया से आ रहे हैं और अगर वो इस मामले में संकोच कर रहे हैं कि यार हमें इस लेवल की इंग्लिश नहीं आती हमें जाके नेटवर्क में जाके बड़ी फ्लैम्बॉयंट सी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी हमें वैल्यूएशन सीड फंड ये फंड फलाना फंड बोलना पड़ेगा नहीं आपका आइडिया है आप आओ आपको गाइडेंस मिलेगी ना और वही इस बात से कहेंगे कभी भी ये मत सोचो आपको हर एक चीज़ सीखनी है। एग्जाम्पल अब मैं हर किसी को आता है यार मैं ना सब चीज़ें सीख लूँ फिर मैं बनना अब मैं फाइनेंस का हूँ तो मैं वही हूँ मैं क्योंकि मैं लीगल में सब पूछने आते हैं कि सर हमें फिल्में सीखनी हम कैसे बनाए मैंने कहा आप बनाओगे तो मैं क्या करूँगा पर अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते राइट है ना। अब मैं क्या अगर मेरे को लगे दवाइयाँ चलिए यार मैं डॉक्टर का कोर्स कर लूँ जी क्या मेरे को लीगल चीज़ें समझनी है तो मैं इतनी मोटी मोटी जो किताबों से पढ़ लूँ भरने उसको पढ़ने बैठ जाऊँ नहीं ना everyone is good at their own work आप अपने काम पे फोकस करो जिसमें आप अच्छा हो जी उस पर करो बाकी चीजें दूसरों पे छोड़ो उनके ऊपर छोड़ो अपना हमेशा ये मत सोचो मैं करूंगा तो सबसे अच्छा करूंगा अभी आप करोगे सबसे अच्छा करोगे लेकिन टाइम भी तो लगेगा फिर आपका एब्सोल्युटली है ना अब आपके पास साल तो उतना ही है ना है ना। तो साहिल भाई बहुत अच्छी हमने बातें की और आज आप जो इतने लोगों को एनलाइटन कर रहे हो आपने इतना अच्छा एक नेटवर्क फॉर्म किया है अभी अभी नाउ यू हैव ऑल्सो बिकम द चेयरमैन ऑफ पंजाब एंजल्स नेटवर्क और आप बहुत लोगों का बहुत अच्छा उमदे तौर पे मार्गदर्शन करने वाले हैं तो खास आपके लिए हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं दिस इज फ्रॉम एरोमा मस्क परफेक्टेड बाय नेचर आपके लिए सर और ये एलिस्टोज डैजलिंग ट्रेंडिंग ज्वेल्स आपके लिए थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच फॉर
जी बिल्कुल नीचे रख लीजिए। वन लास्ट वर्ड टू आर व्यूअर्स। लास्ट वर्ड, वन लास्ट वर्ड, लास्ट भी कर सकते हो बात। नहीं नहीं, वन लास्ट वर्ड याद रखो कि हर स्टार्टअप जो भी आप सोचा ना सब चल सकता है, बस उसका राइट टाइम का इंतजार करना होता है। आप ये कह लो कि यार 4 साल हो गए कुछ नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है। डीमोनेटाइजेशन से एक दिन पहले और एक दिन बाद में ना पेटीएम को शायद लग रहा होगा पता नहीं चलू ना चलू मैं, पर डीमोनेटाइजेशन अगले दिन हर दुकान हर बंदा पेटीएम यूज कर रहा था, है ना। तो वो कौन सा राइट मूवमेंट है कभी भी क्लिक कर सकता है। आप अपने आइडिया पे वर्क करते रहो, आप अपने आइडिया को इम्प्रूव करते रहो, जो भी चीजें आ रही है उसको अडेप्टेबिलिटी करते रहो, है ना। बस क्या पता एक हथौड़ी हो सकती है और एक हथौड़ी के नेक्स्ट दौर पे आपके पास हीरे हीरे पड़े हो ना। वो एक पिक्चर आती है बड़ी कि जिसमें बंदा एक बिल्कुल थोड़ा सा रहता है फिर वापस पहुंच जाता है। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट, और जिस चीज के लिए आप हो वो करेगी, नहीं तो कुछ सिखाएगी। अब मैं सर सिविल सर्विस की तैयारी की मैंने एग्जाम की, ठीक है, और मैं नहीं कर पाया उसको, लेकिन उसके विद इन 6 मंथ्स बाद मैं सिविल सर्विस टीचिंग कर रहा था, पढ़ा रहा था लोगों को, और सिविल सर्विस ने मुझे इतनी नॉलेज दी ना, जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास नॉलेज ही नॉलेज होती है, क्योंकि इट इज गिविन मी कंप्लीट नॉलेज। तो अब मैं सीए बनने से पहले, मतलब जो सीए बनने से पहले मैं उस ड्यू टू ओनली सिविल सर्विस टीचिंग पार्ट टाइम 2-3 घंटे पढ़ा के उनसे डबल कमा रहा था, है ना। तो ये नहीं है कि वो नॉलेज काम नहीं है या ये लाइफ, वो नॉलेज तो कहीं पे भी जो आपने गेन की होगी ना 2-3 साल में, जब आप नेक्स्ट वेंचर में जाओगे ना वो नॉलेज आपको वो पुरानी मुश्किलें नहीं करनी पड़ेंगी और आप नेक्स्ट चीज में आप उसको यूज कर पाओगे। तो यूं ही मेरा और साहिल मुखर्जी का बातों का सिलसिला चलता रहेगा, और खूब सारे स्टार्टअप्स मुझे लगता है अब ये प्रोग्राम देख ही चुके हैं। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम को आपने देखा, आप हमारे साथ जुड़े, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी। आपके अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे सारे एपिसोड्स रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे। मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं साहिल मक्कड़। हाँ, मेरे साथ कौन है? साहिल मक्कड़। मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं साहिल मक्कड़ जी, और आप देख रहे हैं आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे। सी यू गाइज एंड लिसन अस आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर। कॉफी एक और बनाइए।